क्या होता है ना, कभी कभी इंडिया इन्हें छोटी छोटी चीजें कहते हैं ना, दोस्त कहते हैं आओ प्लीज ये दो दो ये चाहिए, फिर वो उनको ये नहीं पता होता पहले तो हम तुन के अपना सूटकेस भरेंगे राइट, हाँ, उसके सांझ बाद को फिर ये वाली चीज टूटा वाला दे दूंगी ना टूटा मैं तेरे को, टूटा ना तेरा तोड़ दूं फिर। एहसान तो कभी जुट माया। हेलो, ओ आई एम आउट ऑफ फोकस, आई बेटर फोकस दिस अप। ये कैसे हो गया आउट ऑफ फोकस? फोकस में आ जा, आई एम नो आई एम स्टिल नॉट इन फोकस, लेट्स गेट मोर बिट मोर फोकस, या फोकस। ओके वेलकम एवरीवन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग बिग बॉस 17 लाइव विद यू, मेरे साथ एंड द चुगली गैंग। तो लेट्स स्टार्ट क्विकली। मैंने काफी सारे नोट्स लिखे हैं, पर मुझे कुछ शुरुआत में जो नोट्स होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं हमेशा अच्छी तरह से लिखता हूँ, और मैं यहाँ पे कुछ लिखा है मैंने, ये क्या है? अंकिता खट्टा इंसान हाउस। अच्छा, अंकिता को खट्टा खाने के मन कर रहा था, और जब से वो इनसाइड हाउस आई है तब से तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है जहाँ पे गुड न्यूज की उम्मीद हो, बट जो जो रिंकू और जिग्ना इतनी खुश थी कि वो तो सच में इतनी खुश थी कि बोले ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, तुम्हारी तो हम इतनी देखभाल करेंगे, पर मैंने देखा नहीं कभी जिग्ना या रिंकू ने उसके बाद अंकिता की देखभाल करी ऐसा, तो मतलब एक सेकंड के लिए बोलने के लिए बोलते उसके बाद कुछ नहीं हुआ, दैट्स व्हाट आई नोटिस। तो ये अनुराग जो है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है खुद के लिए मुझे लगता है, क्योंकि पहले तो इस घर के अंदर उसने ज्यादातर कुछ किया नहीं है, जब उसने किया है उसने बहुत इतनी ऊंची मतलब सुर में जो पिच होता है ना, इतना हाई पिच में इसने चिल्लम चिल्ली की है कि वो नंगे कानों से नहीं सुनते, सिर्फ कुत्ते उस आवाज को सुन सकते हैं, इतनी हाई पिच टोन में वो जब चिल्लाता जब लड़ता है, ये क्या, ये आई डोंट नो, आई रियली कुडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग ही इज डूइंग, बट द पॉइंट बीइंग कि ही इज अ प्रॉब्लम फॉर हिमसेल्फ। ये ऐसे करता है कि प्लीज मुझे ना एक शवल दे दो, हाँ ये थोड़ा सा जमीन दे दो, मैं एक करके अपने ही मतलब कब्र खोदूंगा, और मैं खोदता जाऊंगा खोदता जाऊंगा, मैं नहीं रुकूंगा मैं नहीं रुकूंगा, मैं सलमान को ले लूंगा लपेटे में, बिग बॉस को ले लूंगा, ब्रो सेना को ले लूंगे, जैसे मनारा कहती है ब्रावो सेना। तो यहां से प्रूव होता है कि ब्रो सेना, जितना अनुराग ने ब्रो सेना का नाम लिया है उतना किसी ने नहीं लिया है। एंड ऑनेस्टली मैं देखो मुझे अब पता है कि अनुराग ने बहुत अच्छा काम किया है, 7 मिलियन लोग उसको फॉलो करते हैं, वो वर्ल्ड सबसे बेस्ट बाइक क्या कहते हैं मोटो ऑटो ऑटो मोटो ऑटो जो भी है व्लॉगर है, वंडरफुल कंग्रेचुलेशंस, आपके लिए हम बहुत खुश हैं, बट ब्रो सेना के बारे में हमें इतना पता नहीं था, आपने बताया तो हमें पता चला। एंड अभी ऐसा हो रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाहते हैं अनुराग, कि आपको ब्रो सेना की ओर से नहीं कुछ चाहिए, उनका जिक्र इस शो में नहीं होना चाहिए, आप अपने बलबूते पे ये गेम खेलना चाहते हैं, पर आप पर बहुत घमंड दिखाते हैं कि मैं तो लास्ट तक रहूंगा वो भी ब्रो सेना की वजह से। पर मैं फिर से बोलना चाहूंगा, देखो ब्रो सेना है 7 मिलियन स्ट्रांग है, वेरी वेरी वेल डन अनुराग, और ये एम्पायर होता है इस वे, मैंने मैंने कभी देखा नहीं ना मैंने समझा कि यूट्यूब एक एम्पायर है आपका, आई मीन 7 मिलियन लोग कुछ कम नहीं है, बट एम्पायर के लिए तो 3-4 कंट्रियों की जरूरत होती है, मतलब पूरी कंट्री, एम्पायर तो मतलब पूरी कंट्री से 3-4 कंट्रियां इकट्ठी होती हैं, 10-15, ब्रिटिश एम्पायर को हम ना भूलें, उसमें तो इंडिया को भी ले लिया था, इतने सारे राजाओं को एक बार इंडियन इंडिया बना दिया था, तो वो एम्पायर होते हैं ना, ये थोड़ा ज्यादा नहीं बोला जा रहा, जस्ट सेइंग, चलो ठीक है बिजनेस एम्पायर समझते हैं, बट फिर भी जस्ट आस्किंग, देखो मुझे मैं गलत हो सकता हूँ भाई, शायद आजकल 7 मिलियन के एम्पायर होते हैं, वेरी गुड। तो एक जो एडवाइस
मुझे लगता है कि विकी ने गलत एडवाइस दे दी अनुराग को. देखो अच्छी नहीं, विकी ने गलत एडवाइस नहीं दी, अनुराग ने वो एडवाइस के साथ पता नहीं कुछ और ही कर लिया. विकी ने उसको बोला कि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अगर आप ऐसे वैसे करें तो आप पैसे बचा के निकल सकते हैं. तो शायद ऐसा हो सकता है कि जितना आज हमने अंकिता और विकी की खिटपिट देखी है वो भी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बहुत गौर से सोच रहा होगा कि मैं कैसे इस घर से निकलूं बिना पैसे दिए. क्योंकि आज विकी ने भी बोला था, मंकू चलो घर चलो, मैं 4 करोड़ देने के लिए रेडी हूँ, चलो घर चलो, चलो घर चलो, चलो ठीक है. पर तो गए नहीं ना. हाँ चलो, पर पॉइंट ये कि जो एडवाइस दी गई थी अनुराग को वो थी कि बिग बॉस के पास बहुत सारे साइकिक होते हैं. आप जरा रिवर्स जाके देखना, उन्होंने साइकिक बोला था, साइकाइट्रिस्ट नहीं बोला था. तो मुझे पहले लगा, तो मुझे समझ में आ गया कि ये जो अनुराग को कहने की कोशिश कर रहे थे कि आप साइकिक जो यू नो मन की बात पढ़ रहे थे हैं, जो पहले कुछ होने से पहले उनको जानकारी हो जाती, वो साइकिक होते हैं. मतलब थोड़ा वो मतलब यू नो, और जो साइकाइट्रिस्ट होते हैं वो होते हैं अपनी मेंटल वेलबींग के डॉक्टर. तो ये दोनों चीजें अलग हैं, ठीक है. तो क्या विकी को साइकिक और साइकाइट्रिस्ट के बीच का अंतर नहीं पता है, या फिर विकी जितना ज्ञानी है, जितना दिखाता है वो ज्ञानी है, उसको तो पता होगा साइकिक और साइकाइट्रिस्ट के बीच का फर्क क्या है, और इस वजह से अनुराग ने उसकी एडवाइस गलत ले ली. वो कह रहा था साइकिक मंगा ले ताकि तुझे पता हो कि तेरे भेज में चल क्या रहा है. मतलब मेंटल वेलबींग वाला नहीं, मतलब आगे क्या होगा. Look into my eyes, not around my eyes. Look into my eyes. Yes, I see Anurag Dobal. Yes, Anurag, Anurag, Brosina ko chhod. What is going on? Anyway, so I don't know. I thought it was funny. It killed me. Khan Zadi gir jati hai. Kyunki wo, don't you dare say it. यहाँ पे characterless से standless हो गए हैं, पर हम उसको उसके गिरने के ऊपर बात नहीं करेंगे. पर उसका जो उसके बाद जो नखरे के साथ वो यू कर रही थी, तो वहां पे अभिषेक आता है, मैं तुम्हारा पैर मल देता हूँ. नहीं मत मलो. इनकी इतनी बुरी तरह से फेक लव स्टोरी है, इतनी बुरी तरह से वो उनके कॉन्वर्सेशंस भी बिल्कुल नालायक वाले कॉन्वर्सेशंस होते हैं कि वो बोल रहा है कि अगर मैं करूंगा मैं तो सीरियस करूंगा अंदर भी बाहर भी. मतलब ये कौन सा, मतलब ये बचपना है यार. तुम ऑलमोस्ट 30 साल के हो भाई, तुम 17 साल वाला प्यार क्यों कर रहे हो. एंड फिर खानजादी, मैं तो गो विद द फ्लो हूँ, मैं तो गो विद द, इसका मतलब है तो यहाँ के लिए, मतलब मैं आपको डिसाइफर करके बताता हूँ. अभिषेक बोल रहा है कि अगर हम यहाँ पे ये गेम शुरू करेंगे मैं अपनी बेइज्जती नहीं करवाऊंगा, बाहर जाके तू मुझे छोड़ देगी, बाहर जाके भी ये चलेगा, मैं सीरियस हूँ. और खानदादी का था मतलब नहीं नहीं मैं तो तेरे साथ बाहर कदी ना दिखूं, तो यहाँ के लिए हम कर लेते हैं गेम के लिए, बाहर जाके मैं तुझे लात मारने वाली हूँ. ये इनका कॉन्वर्सेशन होता है, एवरीडे होता है, मैं गो विद द फ्लो हूँ, मैं सीरियस हूँ, इसका मतलब यही है. तो इन दोनों का बनेगा नहीं, ना बनेगा भी, और रात को बेड शेयर भी करेंगे, ये कर क्या रहे हैं. आई डोंट थिंक कि उनको खुद भी पता है कि कर रहे हैं, क्योंकि खान सादी को तो यहाँ पे गेम के लिए ये सब करना है, उसने साफ साफ कितनी बार बोल चुकी है उसको. बट फिर से आई थिंक अभिषेक यहाँ पर भी रेडी है देवदास बनने के लिए पार्ट टू, तो बनने दो यार हमें क्या, लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू. एनीवे आगे बढ़ते हैं. तो ईशा को इतनी प्रॉब्लम क्या हो रही है, मतलब ईशा बैठ के क्या बोल रही थी देखो ये जो है ना ये ऐसा है, अभिषेक ऐसा है, फिर ऐसा है, ऐसा करेगा फिर वह ऐसा होगा वो बिल्कुल ना बह जाएगा. बड़े बड़े तुझे क्या, तूने तो छोड़ दिया है ना, अब आगे बढ़, हुड़ हुड़ हुड़. एनीवे और जो समर्थ क्या क्या सीन है, और मैंने कितनी बार आप लोगों को बोला ये समर्थ और ये दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है, यहाँ पे लिए बस नाटक चल रहा है. वो भी उसको पसंद नहीं करता वैसे, वो भी उसको पसंद नहीं करती वैसे, यहाँ पे वो चला रहे हैं अपना जो भी है.
एनीवे तो आते हैं रूम का जो मतलब रीऑर्गेनाइजेशन जो घर का हुआ है, जो मोहल्ले में बदलाव आया है वो ये है कि घर बदले गए हैं। कल में हमने बात करी थी, तो अगर आप देखें मनारा तो इतनी ओवर एक्साइटेड थी कि वो दिल के कमरे में वापस आ चुकी है और वो भी अभिषेक और मुनव्वर के साथ। अंकिता को वो झेल लेगी और मतलब क्या नौबत आ गई है कि मुझे अंकिता के साथ बेड शेयर करना पड़ेगा, हाय बट इट्स ओके एटलीस्ट मेरा बाथरूम है। तो मनारा बहुत खुश थी। मुनव्वर इतना नाराज है बिग बॉस के साथ, बिग बॉस ने दोस्त बोल बोल के ऐसे लात मारी उसके बुंड पे, हाय मुनव्वर क्या करेगा। पावर पूरा मुनव्वर का लेके विकी को दे दिया, तो ऑब्वियसली मुनव्वर को प्रॉब्लम होगा ना। आई फील मैं मुनव्वर के लिए बहुत फील कर रहा हूँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लग रहा था कि सच में बिग बॉस उसको अपना फेवरेट बना के रखेंगे, पर इतना भी फेवरेट नहीं रखेंगे कि आपको पावर में रखें, दैट इज स्ट्रेंज। विकी को उन्होंने पावर दिया पर साथ साथ में कह रहे हैं कि विकी आप अपनी पत्नी को अच्छा नहीं ट्रीट कर रहे, साथ साथ में कह रहे हैं कि आप अपनी पत्नी को टेक केयर करो पर साथ साथ में कह रहे हैं कि दूसरे कमरे में चले जाओ। ये क्या है बिग बॉस, आप क्या कर रहे हैं? ऊपर से आप आग क्यों लगा रहे हैं? अंकिता तू यहाँ पे रो रही है, वो तो इतना खुश है वहां जाके, आग आपने लगाई। अंकिता वो ट्रैप में फंस गई जाके, क्यों जैसे वो हमेशा फंसती है। चलो ठीक है, देखते हैं कि अभी ये अंकिता और ये विकी का आज जो खिटपिट हुआ ये कहीं ना कहीं बहुत बुरा लग रहा है। अब बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि अंकिता जिस तरीके से बिहेव करती है वो एक अलग लव लैंग्वेज एक्सपेक्टेशन में रखती है। वो चाहती है कि उसका हस्बैंड उसके साथ टाइम पे सो जाए क्योंकि उसको मुश्किल है सोना अकेले। और आज उन्होंने ये भी बोला था कि हमने तो ये सब कुछ बाहर से बोल के आए थे ना, डील तो हमारी ये थी ना। तो बेसिकली हमें अब पता चल रहा है कि अंकिता ने अपने हस्बैंड को क्या क्या बुला के लेके आई है कि मुझे ये चीजें वहां पे चाहिए। पहले तो ये बात थी कि भाई तुमको मैं अपने लिए लेके आई हूं ताकि मैं तुम्हारा ब्रेन यूज कर सकूं। फिर उन्होंने बोला कि तुम मुझे यूज किया है आने के लिए यहाँ पे। और उन्होंने ये भी बोला कि बाहर से हमने ये सब कुछ ऑलरेडी सॉर्ट आउट करके आए थे, यानी कि तुम मेरे साथ सोओगे। तो उसको उन्होंने बोला या मुझे मम्मी चाहिए रहती है या तुम चाहिए रहते, मैं अकेले सो नहीं सकती। तो कहीं ना कहीं उनको ये चीज जरूरी है कि कोई मेरे साथ सोए। पर अब तो वो प्रॉब्लम नहीं है, मनारा तुम्हारे साथ सो जाएगी, वो तो टाइम से सोती है, पर आपको चाहिए विकी और विकी को रात को सोना नहीं होता। तो ये दोनों जो है, जो मुझे समझ में आया है कि दोनों कुछ अलग चाहते हैं एक दूसरे से, जो एक दूसरे से उनको नहीं मिल रहा है। ज्यादातर अंकिता को वो चीजें नहीं मिल रही जो वो चाहती है विकी से। आज उसने काफी सीरियस टॉक किया था कि बस मुझे लग रहा है बस, क्योंकि तुम मुझे वो चीजें नहीं दे गए, तुम ऐसे ही थे, तुम बाहर भी ऐसे ही हो, मुझे वो चीज नहीं मिल रही जो मुझे चाहिए। ये होता है रिलेशनशिप्स में। आई थिंक ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं रिलेशनशिप्स में कि अगर एक पार्टनर एक चाहत होती है ना एक दूसरे के साथ। देखो पार्टनर्स के साथ जो भी शादीशुदा है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, लिव इन में है, जो भी है, उनको ये बात अच्छी तरह से समझ आएगी कि एक 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 लगाव होता है एक दूसरे के साथ। और एक साथ सेम टाइम पे सोना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है काफी सारे रिश्तों में। आई हैव सीन इट एंड आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप जहां पे बेड टाइम इज बेड टाइम एंड दैट्स आल्सो टुगेदर टाइम। बेड टाइम सिर्फ सोने का टाइम नहीं है, वो आपका साथ वाला टाइम भी है जो अंकिता को वो नहीं मिल रहा, और उसको वो बहुत जरूरी है क्योंकि वो अकेली सोने की आदि नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज था, शायद एक बहुत अहम पार्ट है उनके रिश्ते का जो यहाँ पे उनको वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो शायद इस वजह से वो प्रोमिसेस जो करके आए हैं बाहर से यहाँ पे उनको नहीं मिल रही है, तो इसलिए शी इज फायरिंग अप। एंड आज तो मुझे लगा कि उनका डिवोर्स होने वाला है कहीं ना कहीं। And it's sad because I don't want that to happen. मैं नहीं चाहता कि ऐसा किसी के साथ हो। I would love for them to fix it. But क्या ये fixable है? वो दोनों इतने अलग हैं, उनकी personalities, उनकी ideologies, उनका समझाने का तरीका, उनका मतलब आज भी अगर आप देखें अंकिता अपसेट थी, उसने काफी कुछ बोल दिया था, काफी ज्यादा। उसके बाद विकी उसको मना रहा है,
फिर उसको वो मान लेती है, फिर विकी उसको बताता है कि तूने ये सब इतनी चीजें खराब की, तो कौन गलत है यहाँ पे? दोनों ही गलत है यार, दोनों ही सही हैं, इसमें कौन चुनोगे आप बताइएगा मुझे प्लीज। मुझे तो समझ नहीं आ रहा अभी कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि रिश्तों में कोई भी गलत नहीं होता, कोई भी सही नहीं होता, यही होता है, गोल गोल घूमेंगे, यही चक्कर होता है रिश्ते का। वाओ लोकेश यादव, आई एम वेरी सैड टू सी दैट बट गुड बाय, यू जस्ट डिड दैट टू योरसेल्फ, यू टॉक टू मी लाइक दैट गाइस एंड यू आर आउट, थैंक यू। I just thought I'd name him first so that he knows it's him. Feeling a little evil. So Arun or Sunny अभी तक वो बेड में ही रहेंगे, दूसरा कमरा भी शिफ्ट हो गया है पर उन्होंने बेड नहीं चोरी, मतलब वाह 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 वाह, मतलब वो पूरा सिस्टम जो उनका है ना वो बेड से ही जुड़ा है आज तो, मतलब वो खिटपिट भी बेड में कर रहे थे, गॉसिपिंग भी, प्लानिंग भी, मतलब हर एक चीज, मतलब यहाँ पे अगर मगोरी निकाल देते हैं ना बेड के बीच में से तो यहाँ पे टट्टी पेशाब भी कर लेंगे और ऊपर शावर लगा दो तो वो नहा भी लेंगे वहीं के वहीं, मतलब ये वन एंड यू नो वन एंड ऑल इन वन बेड चाहिए इनको, जहाँ पे ये बेड को बिल्कुल ना छोड़े। इट्स काइंड ऑफ स्कैरी। एंड ये विकी ने 3 दिन तक नहाया नहीं है, व्हाट्स गोइंग ऑन? ये तो परफेक्ट है अरुण और सनी के कमरे के लिए, what is his problem? He is going to the best camera for him. शायद Big Boss से इसी वजह से उनको लिया है। चलो, हाँ तो ये क्या सीन था? मुझे आपसे पूछना है, ये क्या हो रहा था? ये दही के बारे में, किसके कमरे का दही लिया? पहली बार देखा रिंकू इतनी जल्दी स्पीड करके गई, भाग के गई दही लेने, what was that about? एंड आपको पता है कि दही तो घर में भी बन सकता है, आप एक कटोरी दही की बचा के अगर रखें रात को आप दही बना लो, what is so bad? I don't understand. Anyway, so what else is there? हाँ, अनुराग का compassion का ये मुझे समझ नहीं आया कि बिग बॉस क्या कर रहे थे। पहले मुझे समझ नहीं आया था कि जब अनुराग अंदर गया था तो ये सबको मोहल्ले में क्यों बैठाया था, मुझे ये नहीं पता था कि बाहर सब ब्रॉडकास्ट करेंगे पूरे घर को दिखाने के लिए, बेइज्जत करने के लिए कि भाई तुमने कैसे बोल दिया सलमान के लिए, मैं भी उनके साथ ही हूँ। How dare you talk about Salman like that? How dare you? And also, how are you questioning the show? How are you questioning the host? And then think you're going to be okay? That's not going to happen. You know, एक अगर थाली में खा रहे हो तो उसमें अगर थूकोगे तो फिर मतलब नहीं चलेगा ना। You can't bite the hand that feeds you. So that's what you're doing. You're not going to get very far. And इस वजह से जब आज ये साफ साफ Big Boss ने बात करी कि विकी ने आपको बताया कि ये साइक के बारे में, और साइकायट्रिस्ट जो होते हैं वो आपको हर समय देखते हैं और अगर उनको लगे आपकी जरूरत, उनको आपकी जरूरत नहीं, आपको उनकी जरूरत है तो वो आपको बुला लेंगे। पर पॉइंट ये है, मैं इसका आई एम अ लिविंग व्हाट्स द वर्ड, देयर इज अ वर्ड फॉर दिस, विटनेस, हाँ आई एम अ लिविंग विटनेस। एंड द विटनेस इज दिस, मेरे साथ ऐसे हुआ था जब मुझे जरूरत थी उन्होंने मुझे खुद बुलाया था, मैं तो उनके पास गया नहीं था। गुड पॉइंट, गुड पॉइंट। Okay, guys, let's bring in San Chauhan, Sam Riddhi, Hamza Jathol, and Polumi. We're all here today. Welcome, everyone. Thank you so much for joining. Welcome to the Chugli Gang. Guys, it's awesome. So, wow, wondrous. Wondrous, ji, wondrous. Big Boss, Sanj ko to matlab neend aati hai dekhte vakt, I know, but it's really sad. Why, Sanj? Why? Wake up. ओके हाय एंडिंग, आज का एंडिंग मैं रिव्यू ना एक जोक के साथ करूंगा, शायद वो पीजे हो सकता है बहुत लोगों के लिए पर वो है पंजाबी में तो आई डोंट नो, आप समझा देना। मतलब मंजे, मंजे मतलब चारपाई है ना, तो उससे रिलेटेड है मेरा वो जो भी है। यहाँ पे जैसे शादियां वगैरह होती है ना, तो मतलब एक आदमी की स्टोरी एंडिंग, तो वो ना गुरुद्वारे पे मंजे वगैरह मिलते हैं रात को तो वो नहीं मिलते है ना, तो वो किसी के घर चले जाता है अपने फ्रेंड के कि भाई अगर तेरे पास एक्स्ट्रा मंजे है तो मुझे दे दे। तो वो आगे से आदमी कहता है यार हमारे घर में ना सिर्फ 2 मंजे हैं, एक पे मैं और मेरा बापू सोता है, एक पे मेरी वाइफ और बेबी सोती है। कहता यार मंजा देना दे, नहीं देना तो ना दो, कम से कम सो तो ढंग से लो। तो आज ना मुझे वो आज वो वाली फीलिंग आई इस घर से। अंकिता सजेस्ट कर रही है मैं सोऊंगी अभिषेक के साथ, नहीं
अभिषेक तू सो समर्थ के साथ, तो लाइक कि तुम्हें इतना क्यों हो रहा है एक दूसरे के साथ सोने के लिए। फिर उसके बाद एंटी लड़ाई भी इसी से रिलेटेड थी मेरी आज की, मतलब जो मैं आपको मतलब मुझे जो फील हुआ, अंकिता शांत क्यों हो गई? पहले तो उसको बहुत रोना धोना हो रहा था ना कि मतलब कि यार तू विक्की कैसे कह सकता है मुझे वहां रहना हंसना है। विक्की ने जब ये बात बोली ना एंडी कि मैं सोने तेरे पास आ जाऊंगा, नॉर्मल हो गई। उसको सिर्फ सोने से मतलब था, उसको इस चीज से कोई दुख नहीं था कि वो घर से चले गया या वहां चले गया। मुझे किस ऐसा लगता है कि उसको सना के साथ जो इशू है ना एंडी, और बिग बॉस ने भी बहुत मास्टर स्ट्रोक प्ले किया कि सना खान को उसके साथ रखा विक्की के साथ, जिससे वो अंकिता जलेगी और इनकी रोज के वो ड्रामे, वो रोज की लड़ाइयां हमें देखने को मिलेंगी जस्ट बिकॉज ऑफ एक सना खान के साथ। तो मुझे वो लगा कि बिग बॉस ने तो अपना मास्टर स्ट्रोक मारा और उनको पता था कि ये दुखती रब है ना, जो नब क्या कहते हैं उसको, वो उसकी दिखेगी अंकिता की, तो वो हुआ। और वो उसी से सारा रिलेटेड आज का पहला मुद्दा था। उसके बाद एंडी ये जो अंकिता ने बात बोली ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, तू मेरी क्यों लेगा ये वो, तो मुझे ऐसा लगा कि ठीक है यार, मैं यहाँ पे कोई ज्ञानी नहीं बनने वाला, पर फैक्ट तो यही है ना एंडी, एक रिलेशनशिप में आपकी रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी बहुत जरूरी है ना एक टाइम पे, जो खासकर शादीशुदा की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी भी चलो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे नहीं मैं इतना चाहूंगा, पर वहां पे भी अगर आप बोलोगे कि तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली ना लो ये ना लो, तो कुछ भी बोल रही है जस्ट बिकॉज उसको अब ये मिल गई है शायद सलमान की तरफ से कि तुम सही जा रही हो विक्की गलत जा रहा है। तो वो होता है ना, वो कुछ भी बोल रही है, मेरी गेम मेरी गेम मेरी गेम खराब हो रही है, मेरा वैसा जा रहा है। भाई तुम्हें अपने सिर्फ गेम देखनी है, रिलेशन देखना है, क्या करना है तुम्हें। तुम होता है क्या ना एंडी, जिसको ये थोड़ा सा ये मतलब वीकेंड का वॉर पे ना ये मेकर या सलमान खान थोड़ा सा बढ़ावा दे देते हैं ना, वो नेक्स्ट वीक अपनी गेम खुद ही एक्सपोज करने शुरू हो जाते हैं। मतलब वो होता ना कि भाई मैं आपने मुझे सही दिखाया पर मैं आपको और गलत होके दिखाऊंगा, ताकि आप नेक्स्ट वीक जब आए तो आप मेरे ऊपर वो आ जाए। तो इनका वो चल रहा है। एंड लास्ट पॉइंट एंडी, मुझे इसको लेके बोलना UK07 को, सॉरी मैं आपसे थोड़ा इस चीज को लेके डिसएग्री करता हूँ। पहले तो मुझे बिग बॉस के ऊपर वो गुस्सा कि हमारे हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने हमारे होस्ट पर या हमारे ऊपर क्वेश्चन खड़ा कर दिया। बहुत बार हुआ है, और मतलब लेटेस्ट एग्जाम्पल में तो रुबीना भी करके गई थी, जब लगेज वाली बात हुई थी उसने तो सलमान को भी बोला, मेकर्स को भी बोला, एंड फिर गोहर ने तो यहाँ तक बोल दिया था कि तुम तनीषा जो भी उसका क्या नाम था, हाँ वही थी ना, तो उसको लेके आप बायस हो, तो मैं शो से जाने को तैयार हूँ। तो बिग बॉस ये आपके साथ हुआ और आप ये करते हो। एंडी मैं आपसे इसलिए डिसएग्री हूँ, आपने बोला था ना जिस खाली थाली में खाते हो, तो मैं चीज को नहीं मानता, वहां पे खा रहे हो ठीक है, ये सेम चीज है ना, आप घर में हो तो वहां पे सेल्फ रिस्पेक्ट की भी बात है। हाँ ठीक है, UK07 गलत जा रहा है, अपनी वो ब्रो सेना को लेके वो आया होगा, कुछ भी है, पर अगर वो कह रहा है मुझे एक रिक्वेस्ट है, तो उस चीज को आप अपना इश्यू क्यों बना रहे हो जबरदस्ती? हर टाइम आप उसके पीछे क्यों पड़े रहते हो? हर छोटी सी चीज वो बोलता, बाद में आप उसको नीचे से नीचा दिखाने में तुले हुए हो। क्यों? क्योंकि आपको बस ये मिल गया कि अब इसको हम जितना बोलेंगे। आई डोंट नो, पता नहीं क्यों बिग बॉस मेकर्स को ना ये लास्ट 2 सीजन से ये जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स है ना, जिनकी फैन फॉलोइंग बहुत है, उनको बहुत ज्यादा दबाने की कोशिश करते हैं। ये फुकरा इंसान के साथ भी हुआ था, इतनी बात नहीं होती थी जितना वो मुद्दा बना देते थे कि भाई तुम्हारी सेना, फिर एल्विश को लेके बोला तुम्हारी सेना, तुम ये वो, तुम्हें क्या इशू है यार? ऐसा तो है नहीं, उन्होंने पैसे देके तो नहीं बनाए ना कुछ किया होगा, हमें नहीं वो कंटेंट पसंद आ रहा होगा, पर उन्होंने कुछ ना कुछ तो किया होगा ना जिनकी वजह से उनको वो कंटेंट पसंद आ रहा है। वो वहां पे गए और मेकर्स को उसी चीज से इशू रहता है, आपको व्यूअरशिप भी उन्हीं से चाहिए, सब कुछ उन्हीं के साथ चाहिए, और आपको बेइज्जत भी उनको ही करना। तो अगर कोई अपना कंसर्न दिखा रहा है तो इसमें हर्ज क्या है? अगर उसके लिए उसके फैंस, ठीक है उसने गलती कर दी, जैसे कोई कंटेस्टेंट अपने पेरेंट्स को लेके या अभी किसी ने बोला होगा, बना रहा नहीं वो अपनी बहनों को लेके नहीं है, पर उसको कंसर्न है भी मेरी बहनों का जिक्र मेरे साथ ना किया जाए। तो आप वहां पे आके अभिषेक की क्लास लगा सकते हो, भाई उसको नहीं पसंद तो मत करो, और एक बंदा आपसे हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई मेरे लिए मत बोलो, आप उसको जलील करने में तुले हो, रेदर देन आप उसको ये बोलो भाई तूने बोला है गलत है, पर हाँ ठीक है अगर तुम्हें ये चीज का है हम सलमान से बात कर लेंगे जो भी है, या तो आप मुद्दा ही ना उठाओ, पर आपको जबरदस्ती उसमें जाना भी है। फिर मनारा के लिए ऐसा क्यों नहीं था? उसको तो आपने दूसरे कंटेस्टेंट को भी लेके वो कर दिया। एंड लास्ट फाइट एंडी जो अभी उसके बीच में हुई थी अंकिता एंड
अभिषेक के बीच में, यस आई एग्री, अगर अभिषेक ने ये मिडल फिंगर दिखाई होती तो यहाँ पे बहुत बड़ा बवाल मच गया होता। पर मेरा मानना है एंडी कि वो पहले चिल्लाया तो वही था ना अननेसेसरली, मतलब ठीक है कन्वर्सेशन हो रही थी उनके बीच में जहाँ पे अंकिता और वो आपस में लड़ रहे थे, तो ठीक है थोड़ी बहुत जैसे आप चल रहे हो, पर अभिषेक तो ऐसे फट जाता है मतलब जिसका कोई सिर पैर नहीं होता, तो वो किसी को भी ऐसा लगे इसको क्या हो गया यार, बात कर रहे थे नॉर्मल कर रहे थे तो इतना फट क्यों रहा है, तो फिर मुझे लगता है वो अंकिता के बीच में से वो चीज बाहर आई। नहीं, पर मुझे ये बात जरूर बोलनी है, ये जो अभिषेक के ऊपर, ये अभिषेक जब ऐसे, मतलब वो ऐसे स्पीड पकड़ता है वो उन चीजों के बारे में जहां पे उसका कोई फटने का कोई फायदा नहीं है, ना ना जरूरत है, ना कोई भी सेंस नहीं बनता। मतलब उस बंदे में बहुत सारा क्रोध भरा हुआ है, उसको आउटलेट्स चाहिए रहते हैं। कि यहाँ पे अंकितान और उसका जो बात हुआ था कि मैंने प्लेटफॉर्म साफ किया है, तुम्हें नहीं पता मत बोलो, जबकि तुम्हें सच में नहीं पता, बाद में विकी बोल रहा था तो मान लिया ना उसने। तो पॉइंट ये है कि तुम कर क्या रहे हो यहाँ पे, तुम इतना स्टूपिड लगते हो, इतना तुम गेम के बारे में सोचते हो। क्या तुम्हें लगता है कि अंकिता को ऐसे तुम बात करोगे, जितना डिसरिस्पेक्टली उसने बात किया, जो भी है उन उन उनके इंडस्ट्री में वो उसकी सीनियर है, बहुत ज्यादा सीनियर है उससे, और तुम ऐसे बकवास बात पे तुम इतनी अलग लेवल की बेइज्जती कर रहे हो अपनी सीनियर की। वो तुम्हारी खुद की करियर की बात है। तुम ये सोचो, अंकिता और विकी जैन यहाँ पे तो हैं, जब ये घर से बाहर जाएंगे, आई एम गोना बी ऑनेस्ट विद यू, ओके, उनके कनेक्शंस को छोड़ो, अगर अंकिता चाहे वो प्रोड्यूसर बन सकती है आज के दिन में कि नहीं बन सकती। उसका बैकिंग है, उसका हस्बैंड का पैसा है, वॉट एवर सेड एंड डन, खुद का पैसा कोई प्रोड्यूसर नहीं लाता, बट माय पॉइंट इज, प्रोडक्शन कंपनी सेटअप करने के लिए, नाम करने के लिए उनके पास इतना तो है। और कल वो प्रोजेक्ट शुरू करेंगे तो फिर वो एक जगह पे पहुंचेंगे इंडस्ट्री में जहां पे अभिषेक को वो काम देख सकते हैं। यू कैन नॉट बर्न दीज ब्रिजेस, दिस इज आवर वर्ल्ड। शायद इंडस्ट्री वाले नहीं सम जो इंडस्ट्री बाहर, इंडस्ट्री से बाहर है, वो नहीं समझेंगे, पर बिजनेस में भी सेम है। आप अपने खुद के बिजनेस के जो बिरादरी वाले होते हैं उनकी बेइज्जती बे बे बेहिसाब नहीं करते, जब बिकॉज यू हैव टू वर्क विद दोज पीपल। व्हाट इज ही डूइंग, ही इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। मैं तो कतई भी उसको कभी भी कहीं पर भी नाम उसका कभी नहीं दे सकता, क्योंकि ही इज अ लूज कैनन। वो ऐसा खुला हुआ ग्रेनेड है, वो जहां पर भी फट सकता है। और फिर जिसने जिसके जिसने उसकी क्या क्या हेल्प की उसकी होती है। है, उसके ऊपर आएगा ना बाद में कि भाई तूने नाम दिया था, इसने तो हमारा काम खराब करके चले गया। यही एक्टर्स का काम होता है कि आप अगला काम फिर से करने के लिए रेडी हो। बट ही इज नॉट थिंकिंग, ही इज द बिगेस्ट मैन चाइल्ड। मैन चाइल्ड भी नहीं है, ही इज जस्ट अ चाइल्ड। मैन चाइल्ड अलग होता है, ये मैन चाइल्ड भी नहीं है, ही इज अ चाइल्ड। एंड इट्स रियली सैड एक्चुअली, बिकॉज इलॉजिकल बातों पे लड़ता है, इलॉजिकल मतलब इलॉजिकल। कुछ भी नहीं। चलो, जयत्री बुरे, लेट मी गेट दैट राइट, बुरा गोयन, डिड आई गेट दैट राइट? एनीबॉडी एल्स वांट टू ट्राई बुरा गोयन? आई एम गोना टेक इट। ओके, अंकिता एंड विकी होंगे पति पत्नी अपने घर पे, बट दिस इज शो एंड दे आर कंपेटिटर्स, द रेस्ट हु आर प्लेइंग इंडिविजुअली, व्हाई कांट अंकिता? आई डोंट थिंक इट वर्क्स लाइक दैट। देखो, मैं ये थोड़ा डिसाइफर करना चाहूंगा। अंकिता ने साफ साफ आज बात कर दी, वो अपना हस्बैंड को लेके आई है अपने लिए, यही उनकी डील थी। हम जाएंगे पर हम साथ में खेलेंगे, ये डील थी घर से आई है। यहाँ पे विकी डिटैच हो गया, विकी अपनी गेम खेल रहा है, तो उसने अपनी प्रॉमिस, वो प्रॉमिस जो उसको इस घर तक लेके आई, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे विकी जैन को कोई ऑफर नहीं कर रहा था, वो अंकिता लोखंडे को और उसके हस्बैंड को कर रहे थे। लेट्स फेस दैट्स अ फैक्ट। अगर अंकिता लोखंडे विकी जैन के साथ शादीशुदा नहीं होती तो फिर विकी का कोई चांस नहीं था। जो उसने पता नहीं कल परसों भी बोला था कि मैं भी यहाँ पे कुछ करके ही आया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, आपने शादी करी है एक एक्टर से और इसलिए आप थोड़े प्रेस में आए हैं, दैट्स व्हाट्स हैपेंड। एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू बी रूड, वो होंगे बहुत वो ये वो अपनी करियर में, एंड वेल डन टू हिम। आई एम नॉट डिस्क्रेडिटिंग कि उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ करा नहीं है, दैट्स नॉट माय पॉइंट। मेरा पॉइंट है कि फैक्ट इज कि वो बिग बॉस की रेडार पे इसी वजह से हैं क्योंकि वो अंकिता लोखंडे के हस्बैंड हैं।
एंड एक जो 2 साल पहले की बात वो कर रहे हैं कि ये हुआ था वो हुआ था मेरे ऊपर भी बहुत स्ट्रेस हुआ था 100% मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहा, पर अब गिना क्यों रहे हो और वो भी नेशनल टेलीविजन पे? इट डजंट मेक सेंस टू मी, इट डजंट मेक सेंस एट ऑल. फिर जिसने कभी कुछ किया होगा ना उसके बाद गिना दो, वो वापस शून्य हो जाता है, खत्म हो जाता है, वो फिर आप नहीं खड़े रहे क्योंकि आपने उसको गिनती में लेके आए हैं. तो फिर रिश्ता कौन सा है ये? फिर अगर मैं किसी के लिए करता हूँ, अगर मैं किसी दोस्त के लिए भी करता हूँ, मैं कभी भी उनके साथ जाके ये नहीं करूंगा मैंने तेरे लिए किया, इट्स ओवर देन, फिनिश्ड. पूरा जो पुण्य आपने कमाया था वो आपने, हाँ लेट्स कंटिन्यू. एंड आई डोंट थिंक के अंकिता इंडिविजुअल खेल सकती है और ना खेलना चाहती है, इसलिए वो मुनव्वर को जाके अटैच हो जाती है या फिर वो उसको विकी चाहिए, तो वो नहीं खेल सकती अकेली. एंड एटलीस्ट शी रिकॉग्नाइजेस द फैक्ट दैट शी नीड्स अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर टू प्ले विथ, एटलीस्ट दैट्स अ गुड गेम टू हैव. अगर मैं खुद नहीं खेल सकती मैं किसी के साथ खेलूंगी, सो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? एनीवे मूविंग ऑन, थैंक यू फॉर द सुपर चैट. ओके समृद्धि, अभी ना आप ऐसा मग ना शेयर करें जहां पे लोगों को उसकी जरूरत पड़े, ठीक है? ये मग कौन सा है ये अभी से बताओ. आईडी मैं शुरू करूंगी इंडिविजुअल भाभी से. अच्छा डायलॉग था वो इंडिविजुअल भाभी. हाँ, अंकिता की प्रॉब्लम क्या है? वो अपने पति के इतनी बेइज्जती क्यों कर देती है टीवी पे? जब वो बोलना शुरू करती है वो बोलती चली जाती है और वो इतना गंदा बोल देती है अपने पति को. इतनी गंदी लग रही थी आज अंकिता. अरे विक्की तो है ही बेकार, मतलब वो तो है ही इनकम्पैटिबल है दोनों, ठीक है? बट अंकिता मतलब एक से बढ़कर एक दोनों में कॉम्पिटिशन चल रहा है कि कौन ज्यादा गंदा दिखेगा रिलेशनशिप में, मुझे वैसे लग रहा है. विक्की तो बदतमीजी से बात करता है बट अंकिता ने जितनी बदतमीजी दिखाई ना, इट वॉज नॉट एक्सेप्टेबल. अंकिता जैसे पूरे टाइम बोलती रहती है ना कि मैं तो रिश्तों की हूँ, मैं दिल से रिश्ते बनाती हूँ, आज भी इसने 100 बार बोला, एवरी एपिसोड में 100 बार बोलती है. तो मेरे को लगता है अंकिता बहन तू पहले अपना रिश्ता संभाल ले, बाकी इस पूरे बिग बॉस घर से रिश्ता बनाई हो, तेरा अपना रिश्ता क्रम्बल हो रहा है. और एंडी इस पे मेरी और एरन चीनी की एक थ्योरी है, आज हमने डिकोड किया है, मैं आपको बताती हूँ. हमें ऐसे लग रहा है कि ये दोनों घर से प्लान बना के आए हैं, ये यहाँ लड़ेंगे शुरू में, ठीक है? अभी ये लड़ रहे हैं और फिर ही थोड़े टाइम बाद हैप्पी हैप्पी हो जाएंगे, इनके सारे इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे. और एक बात बताओ, कौन होता है ऐसे? मुझे नहीं पता, हो सकता लोग होते हो, मैं अपने वैसे बता रही हूँ अपना पॉइंट ऑफ व्यू, कि कौन होता है ऐसे कि ऐसे बोलेगा मेरा लड़की स्पेशली खट्टा खाने का मन कर रहा है और ये वो. उनको पता है इससे सीधा ना क्वेश्चन कहाँ जाता है, ठीक है? अगर आपका हो भी, आप यूजुअली इतने से लाउडली ऐसे कैमरा वाले घर में नहीं बोलते हो कि मेरा खट्टा और ये, मतलब यू नो खुद हिंट दे रहे हो कि मेरा मैं आई एम प्रेग्नेंट या समथिंग लाइक दैट. तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो पहले से कंसीव करके आई थी यहाँ आने से पहले? अभी 1 महीना ही हुआ है, अभी पता चलने लगेगा है. एंड वो कंसीव करके आई थी और उनकी फिर ये पूरी प्लानिंग थी कि वो लड़ेंगे, फिर यहाँ हैप्पी हैप्पी हो जाएंगे, फिर दिखा देंगे कि हम प्रेग्नेंट हैं. तो इस तरीके से यू नो पीपल विल बी यू नो फीलिंग फॉर देम और उनको वोट करेंगे या कुछ कुछ हो सकता है. वेरी But I hope so. I hope she's pregnant. That will be fun. But if it, but it's itna stress, and you're just pregnant. That's scary. I wouldn't. Yes. That's not a good idea. क्योंकि जैसे आज वो behave कर रही थी. Script cabin fire क्योंकि ये दे देना समृद्धि Marvel को जरूरत है. क्योंकि जैसे आज वो behave कर रही थी ना, ऐसे लग रहा था कि is she going through some hormonal changes or whatever, because she was kind of fighting किसी भी moment पे. चलो समृद्धि फट गई. हाँ, एक तो बिग बॉस भी कम नहीं है, वो भी अंकिता अलग थी. बिग बॉस ने उंगली की, अंकिता देख विक्की वहां कितना खुश बैठा है, लड़ 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 वो शुरू हो गई. भैया बिग बॉस आप बहुत कलेशी हो, पता सारे घर के कलेश ना इसमें आप नहीं लगवाए हैं, टास्क तो कराते नहीं हो, अपने मुंह से बोल बोल के कलेश कराते हो. बाकी मनारा ने आज कितना सही डिकोड किया ना, जब मुनव्वर के साथ बैठी थी कहती कि ये विक्की ने आग लगाई है UK 07 वाली, उसने उसके कान भरे हैं. मतलब आग हल्की सी थी चिंगारी, विक्की ने पूरा घी डाला है उसको, पूरी फ्लेम्स बड़ी बड़ी विक्की ने करी है. यार UK 07 ना ऑनेस्टली फूल, मतलब उसके पॉइंट्स थे, वैलिड पॉइंट्स थे आई वुड से, बट ही इज लुकिंग लाइक अ फूल. और उसकी पुरानी हरकतों को भी हम अकाउंट में लेते हैं ना, तो वो बिगर फूल लगने लग जाता है. और बिग बॉस उसकी अब ज्यादा ले रहे हैं. मैं मतलब इस बात को मानती हूँ कि बिग बॉस पीछे पड़ जाते हैं, जैसे पिछली बार अभिषेक फुकरिया के पीछे पड़े थे, इस बार इसके पीछे पड़े हुए हैं. और विक्की का मे बी विक्की ने इसलिए किया हो कि यू नो कि इसको निकलवाने का साइकियाट्रिस्ट के थ्रू तरीका, क्योंकि इसके तो 7-8 मिलियन फॉलोअर है, ये वैसे तो जल्दी से निकलेगा नहीं, ये टॉप 5 तक जाएगा. तो विक्की ने दिमाग लगाया यहाँ पे, क्योंकि विक्की ओवर दिमाग तो हर जगह लगा रहा है, दिख रहा है एंडी. तो मे बी एंड
रेस्ट एंडी खानजादी का गाना मुझे अच्छा लगा, वरना पूरी बकवास लगी वो मुझे पूरे एपिसोड में, सिर्फ उस गाने के अलावा उसका गाना एक्चुअली बहुत अच्छा था। मैं ढूंढूंगी और सुनूंगी अगर उसका गाना वो यूट्यूब पे है। और अभिषेक, ओ माय गॉड, व्हाट इज दैट मैन, कितना पागल है, चिंगाड़ता रहता है पूरे टाइम, दो लोगों पे चढ़ चढ़ के चिल्लाता रहता है, डिस्गस्टिंग मैन। और ईशा अच्छी लगी, ईशा की आज तारीफ हुई, मुझे अच्छा लगा क्योंकि एक्चुअली इस बंदी ने बहुत कुछ सहा है इस 1 महीने में, एंड उसको वो तारीफ बनती थी। अभी के लिए तैयारी। आई लाइक दिस ईशा तो वाला। अप्रिशिएट, हाँ नहीं, ये खानजादी टैलेंटेड तो है गाना में, वो शी इज वेरी टैलेंटेड एंड बहुत खूबसूरत भी है, नाइस कपड़े पहनती है, पर फिर जब वो अपने सारे ये गेम खेलती है ना, ये फेक वाले, वहां पे सारा सर्वनाश कर देती है। आई अग्री। हाँ जी, जैसे लोगों से मनारा नहीं टॉलरेट होती ना, मुझसे खानजादी नहीं स्क्रीन पे टॉलरेट होती, मतलब मेरे को बहुत ही अभिषेक और इरिटिंग लगती है। खानजादी सेम ही तो है चिल्लाने के मामले में, हाँ, इलॉजिकल दोनों बातों पे चिल्लाते हैं। दोनों अननेसेसरी लड़ाइयां लेते हैं सिर पे जा जाके। थैंक यू फॉर दैट। ये लेट्स तो गिव है। अ रिमाइंडर, अगर आपने ऑलरेडी इस स्ट्रीम को नहीं लाइक किया तो प्लीज डू लाइक इट, इट वुड रियली हेल्प अस। एंड आल्सो, अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है एंड आपको बन लेना चाहिए, क्योंकि यू नो व्हाट, लेट्स मेक दिस कम्युनिटी समथिंग अ लिटिल बिट मोर बिगर नंबर्स, सो दैट वी कैन आल्सो देन गो, वी गॉट ह्यूज नंबर्स, फिर हम बिग बॉस में जाके बोलेंगे एंडी फैम। नो, आई वोंट डू इट, आई वोंट प्रॉमिस, आई प्रॉमिस हम अनुराग नहीं। हाँ, लेट्स कंटिन्यू, लेट्स गो टू हमजा। हमजा बताइए। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बाद मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर अभी तक किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो वही कहें जो अभी एंडी सर ने कहा है। उसके बाद मैंने शुरू करना है आज बिग बॉस से। मैं हैरान हूँ कि बिग बॉस अपनी आदत से बाज नहीं आते, हर सीजन में ना एक सेंटेंस बोलते हैं और वो इतना बड़ा झूठ होता है और फिर उसको प्रूव करते हैं। आज ना यूके को जब समझा रहे थे तो कहते हैं, यूके आपको क्या लगता है जो सलमान बोलता है या जो मैं बोलता हूँ वो हम आप खुद से बोल देते हैं? ये तो ऑडियंस की आवाज होती है, ये जनता की आवाज होती है। वो कौन सी जनता है ये, हमें भी बताओ, हमें भी बता दो उस जनता का। पहले दिन से रो रहे हैं टास्क करवा लो, टास्क करवा लो। आता क्या है, अंकिता और विकी जी में हुई लड़ाई, दुम ताना ना ना ना, अब क्या होगा? फिर अगले दिन कहते हैं टास्क करवा लो, फिर खानजादी और अभिषेक का चक्कर चला देते हैं। फिर कहते हैं टास्क करवा लो, फिर अगले दिन नील और ऐश्वर्या की लड़ाई हो जाती है। तो कौन सी ऑडियंस है जो ये लड़ाइयां चाहती है, हमें भी बताओ। कौन सी ऑडियंस आपको ये मैसेज कर रही है कि हमने सिर्फ लड़ाइयां देखनी है? हमने तो नहीं सिर्फ लड़ाइयां देखनी, हम टास्क चाहते हैं। कोई टास्क दे दो भाई बिग बॉस प्लीज, अगर आप ऑडियंस की इतनी मानते हो ना, सीरियसली कोई एक टास्क जरूर दे दो। उसके बाद आज यूके, मैं यूके से इतना को हैरान हूँ। आज मैं सीरियसली बिग बॉस से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, वेरी अच्छा किया आपने इसकी बजाई। नहीं, जब तुमने मुद्दा उठाना होता है कोई पॉइंट तो देख के उठाया करो। आज अपनी वो उसके लिए ब्रोज के लिए वो जो अब स्टैंड ले रहा था, जिस दिन सलमान ने बोला तब बोलते ना, तब हमें पता चलता तुम्हारे अंदर जिगड़ा था। गौर खान भी तो बोलती थी, हीना खान ने तो मुंह पे बोला था ना बिग बॉस के कि सलमान तू पार्शियल है, बिग बॉस पार्शियल है। फिर सलमान ने आके बताया था, नो नो हीना अब थोड़ा सा गलत हो गया, उसने कहा मैं सही हूँ। इतना जिगड़ा था, इतनी तुम्हारी फैंडम थी, इतना तुम फेमस थे तो तुम बोलते, फिर कहते कि मेरे फैंस के ऊपर मत जाओ। तुमने तो खुद ही अपने आज फैंस को जलील किया है इन शॉर्ट। तो ये चीजें तब करते तो तुम ज्यादा अच्छे लगते। अब देख लेना सलमान खान ने तुम्हें शीला की जवानी पे डांस करवाना है इस हफ्ते, तैयार रहो, तुम जाके डांस की तैयारी करो। इस बार तुमसे उसी पे करवाना है और करवाना भी पूरा आधा घंटा है, फिर तुम अच्छे से खुश होगे। उसके बाद अंकिता और विकी के ऊपर मैंने आज बोलना था कि सीरियसली बिग बॉस इसमें इंटरेस्ट क्या रहा है, एक ही चीज वो फालतू की रिपीट रिपीट रिपीट। अंकिता जी का वही एक रोना कि मैं बिल्कुल वो हो रही हूँ, मैं बिल्कुल वो चीज कर रही हूँ। आज सबसे पहले विकी को उस रूम में भेजा किसने, बिग बॉस में, इसमें विकी की क्या गलती थी? क्या विकी ने खुद से ये रूम डिसाइड किया था? तो फटना था तो अपने फेवरेट बिग बॉस पे फटती, जो बिग बॉस ने ना नील और ऐश्वर्या के आगे लिखा भी, हम हस्बैंड वाइफ को अलहदा नहीं करना चाहते, उधर तो कर ही दिया ना, उधर तो वो लड़ाई शुरू हो ही गई ना। तो वो चीज मुझे लगा कि आज अंकिता जी बिल्कुल फालतू का लड़ रही थी। और जो अभी एंडी सर बोल रहे थे ना कि जो ये चीज गनवा रहा है विकी के, जी मैंने तुझे ये लेके दिया, मैंने सिर्फ यहाँ पे ये बोलना था, बिकॉज अंकिता ने बोला कि तू कहीं स्टैंड नहीं करता, मैं कहीं खड़ी होती हूँ ना तो तू मेरे पीछे स्टैंड नहीं करता। तो फिर उसने उस चीज के लिए बोला कि मैं हर जगह तेरे लिए स्टैंड करता हूँ, बस तुझे दिखता नहीं है। तो वो यहाँ पे ये दोनों ही गलत हैं, दोनों ही ओवर हो जाते हैं अपने रिलेशनशिप को लेके। समृद्धि से भी मैं थोड़ा सा एग्री करता हूँ कि क्या पता ये फेक ड्रामा ही कर रहे हो, कि इससे क्या पता हमें फुटेज मिल जाए, लड़ लेंगे, फिर प्यार शुरू हो जाएगा, फिर आखिर में हम टॉप 2 में चले जाएंगे, जो भी है।
लेकिन ये अब हेल इरिटेटिंग लग रहा है। उसके बाद मैंने आज मजनू की बात करनी है अभिषेक की, आइए क्या कह रहा था खानजादी को, देखो तुम मुझे बताओ क्योंकि मैं सीरियस हो जाता हूँ मोहब्बत में। कभी किसी आशिक को ये पूछना पड़ा है मोहब्बत करने से पहले कि मैं मोहब्बत करूं या ना करूं? इसका कोई सेंस बनता था? अगर तुम्हें मोहब्बत हो रही है तो हो रही है, ये एक सीरियस चीज है, उसका मैं सीरियस हूं या ना हूं, क्या मैं मोहब्बत कर सकता हूं या ना कर सकता, तो ये बड़ा ही ये चीज एक अजीब लग रही थी, बिल्कुल इसकी सेंस ही नहीं बन रही थी। बाकी आज की एपिसोड थोड़ी सी ठीक ठाक थी, इसमें और चीजें हो सकती थी, बोरिंग थी इन शॉर्ट। नहीं मुझे थोड़ा हमजा को वहां पे बोला था, हमजा कहता वो बाकी ऐसे थे तो विनर थे, तू नहीं उसी टाइम फटा। नहीं यार रुबीना बाद में जाके उसने लड़ी थी, वो तब कन्फेशन रूम में जाके उसने मेकर्स के साथ बिग बॉस के साथ अपनी वो गुस्सा जाहिर किया था, उसने भी सलमान के साथ कोई फिर उस टाइम पे नहीं लड़ी थी, कोई डिसरिस्पेक्ट सलमान को नहीं बोली थी कि ये, वो तो बाद में जब ये बात फिर मुद्दे के तौर पर उठाई गई थी तब फिर उसने बहुत ही पोलाइट वे में रुबीना ने बात की थी, पर जब वो फटी थी वो कन्फेशन रूम में जाके उसने फिर बोल दिया था कि भाई मुझे नहीं ये जमरा, तुमने मेरे हस्बैंड को लगेज वगैरह ये चीज बोला। हाँ बट आई एग्री गोहर खान थी सिर्फ मतलब ऑल सीजंस में जो मेकर्स के साथ लड़ी भी बाहर भी गई वापस भी लेके आई, तो वो एक अलग केस था, उसमें आई एग्री। थैंक यू फॉर दैट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट शुगली गैंग मेंबर व्हिच इज हु इज इट, आई वंडर हु। मी इट्स नॉट यू, फूल मी। तो आज पहले तो मैं कुछ क्रेडिट चाहूंगी क्योंकि मैं कब से बोलती आ रही हूँ कि अंकिता ऐसी चीजें करती है, लेकिन आज किसी को दिखता नहीं था, बिग बॉस भी शायद एपिसोड नहीं काट रहे थे वैसे, तो मेरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी साबित हो चुकी है कि अंकिता इज वेरी डिमांडिंग, इरिटेटिंग, और वो करती है ऐसी चीजें, और हर बार विक्की का रिस्पांस वही नहीं होता जो हमें दिखाया जा रहा है, कभी कभी वो भी चीजों को अच्छे से भी लेता है। तो पर मैंने पूरा पार्ट देखा नहीं अंकिता विक्की वाला, मैं बहुत बोर्ड थी, तो मुझे मतलब फिर जितना मुझे जिस समझ आया, जितना मैंने थोड़ा बहुत देखा, तो मुझे लग रहा है ऐसा ही कुछ हुआ है। तो ये मैंने बाद में भी देखा, वो काफी अच्छे से हैंडल कर लेता उसको। इनफैक्ट आज लास्ट में भी, पहले मैं अभिषेक और उसकी फाइट पे बात करती हूँ, तो अभिषेक और अंकिता की जो फाइट हुई है उसमें मैंने पहले भी ये एक क्लास की बात करी है कि आई एक्सपेक्ट सम क्लास दैट यू शो जब आप बात करते हो, तो मैंने ऐश्वर्या के केस में भी कहा है और सेम आज अंकिता, वो चल 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 करती हुई नहीं अच्छी लगती, आप नहीं अच्छे लग सकते हो, आप टीवी के अगर बहुत बड़े नाम हो, आप चाहते हो आपको वो रिस्पेक्ट मिले, तो फिर आपको वैसे एक्ट भी करना पड़ेगा कि आपको वो रिस्पेक्ट मिले। आप चल 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 करके बात करोगे तो फिर लोग नहीं करेंगे, ऊपर से आप मिडिल फिंगर दिखा रहे हो, मतलब आपकी आपके बारे में ये बहुत कुछ बताता। अभिषेक के बारे में ही मैं बात करूंगी, बट अंकिता के बारे में अभी बात कर रही हूँ, तो आपके बारे में बहुत कुछ बताता है जब आप एक फाइट में आपको मिडिल फिंगर दिखानी पड़ रही है। आपको दिखानी क्यों पड़ रही है? क्योंकि आपके पास शायद जवाब नहीं है देने के लिए, आपके पास इतने अच्छे पॉइंट्स नहीं है कि आप एक आर्ग्यूमेंट को पॉइंट्स के बेसिस पे जीत सको। तो वो मुझे गलत, मतलब अंकिता वहां पर मुझे सही नहीं लगी। अब मैं अभिषेक के बारे में बात करूँ, अभिषेक आप एक बहुत वो बनते हो कि हाँ बाहर देख लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, आपको मिडिल फिंगर बहुत चुभ गई, आपने तो घर में बहुत गंदी गंदी लैंग्वेजेस यूज की है, बहुत कुछ बोला है लोगों को, आपको मिडिल फिंगर से प्रॉब्लम हो रही है। आप चार सीजन घोट कर आए हो, आपने देखा दूसरे सीजन में क्या क्या लोग बोलते हैं, आपको उसके चेयर उठाने पर इतनी दिक्कत नहीं हुई थी जितनी आपको मिडिल फिंगर से हो रही है। तो आपका मकसद ये होता है दिन में 15 मिनट का फुटेज मेरा जाना चाहिए। अब आज के पूरे तमाशे में अभिषेक का तो कुछ काम था नहीं, पर उसको अपना फुटेज चाहिए, तो फुटेज अभी मैं क्या लड़कों के बारे में बात कर रही हूँ ना, पहले देख लिया करें पूरा। तो I love putting up the comments when Polumi is talking because she likes to reply to them. वो करती है कि हाँ 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 मैं ही बोली हूँ, मुझे मार डालो। अभी दो लाइनें बोलिए, पहले शुरू हो गए भाई, मतलब सुन तो लो यार, नहीं सुनना तो मत भी सुन लो। ओके तो
अभिषेक ने इतने सीजन घोट के, यार उनको पता होना चाहिए कि कौन कैसे कि पिछले सीजन में क्या क्या हुआ है। आपको मिडिल फिंगर चुभ जाती है क्योंकि आपको एक हर एपिसोड में आपको पता होता है मुझे आज का तो मेरे को फुटेज ही नहीं मिला। जैसे मन्नारा करती, वो बैठ के अपना कोई कोई एक ऐसी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज डिस्कस करेगी कि उसका फुटेज कट जाए। सेम अभिषेक का भी है कि उनको अपना फुटेज कटवाना होता है डेली बेसिस पे। तो आज उन्होंने क्या किया, क्योंकि आपने देखा एंड उसका कुछ मतलब नहीं था, वो बाद में खुद ही हंस रहा था। विकी कहता छोड़ दे छोड़ दे, कहता हाँ छोड़ ही दिया मैंने, करना ही किया, क्योंकि उसको पता है मेरा 10 मिनट का कट गया यहाँ पे। अब अंकिता से मैं लड़ लिया, 10 मिनट का मेरा फुटेज कट गया, ये चाहिए उसको। तो वो ना उसकी शॉर्ट टर्म की गेम है ऐसा लग रहा है मुझे, कि वो बस उतना ही देख रहा है कि आज का दिन निकल जाए, ये हफ्ता निकल जाए, इतनी गेम है उसकी। तो मुझे अभिषेक के बारे में बस यही लगता है। मुनव्वर टेक अ ब्रेक राइट नाउ एंड आई हैव टू एक्सप्लेन सम। अमन अमन कहते हैं कि ये मिडिल फिंगर क्या होता है, ये देखो ये 5 उंगलियां हैं, ये आपका अंगूठा है, ये पहली उंगली होगी, ये जो दूसरी है ना, अगर ऐसे करो ना ये ऐसे, तो अगर ये होता है और इसका मतलब होता है यानी के पीप ऑफ, इसका मतलब बेसिकली FUCK ऑफ, इसका मतलब ये होता है। और इस वजह से आज जो अभिषेक कह रहा था कि बड़े बड़े उंगली दिखाए, आई लव अंकिता रिएक्शन, बेस्ट रिएक्शन, यू कांट विन ऑन दैट रिएक्शन, शी इज वन, एंड द थिंग इज he deserved the finger that time, he deserved he needed to FUC off, because the way he was talking it was so rude, so arrogant and nonsensical. So just stupid man. Continue. मतलब उसका कोई कोई मुद्दा नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। मैं कह रही हूँ आंटी, वो सिर्फ अपनी फुटेज कटवाने आता है डेली, उसको चाहिए किसी बड़े को पकड़ू, जो बंदा कुछ डिस्टर्ब, कुछ है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ मतलब मुझे पता है कि हाँ ये बंदे के साथ में लड़ूंगा तो फुटेज कटेगी, या तो वो खानजादी के साथ अपना प्यार दिखाएगा, या फिर अंकिता से लड़ेगा, या मुनव्वर से लड़ेगा, उसका यही काम है, क्योंकि उसको अपना डेली का फुटेज कटवाना है, उसका उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। उसके बाद मुनव्वर, मुनव्वर को मैं मानती हूँ, मतलब बहुत लोग बोल रहे होंगे कि मुनव्वर का क्यों नहीं उसने साइड ली यहाँ पे, दो लोगों के बीच में वो बैठी, मतलब ये बैठी है क्या है, अंकिता उसकी फ्रेंड है और अभिषेक भी उसका फ्रेंड है, तो मुनव्वर ने कोई साइड क्यों नहीं पिक की। तो मुनव्वर ने साइड नहीं पिक की क्योंकि मुनव्वर को पता है कि ये जो मुद्दा है ये कोई मुद्दा ही नहीं है, इसमें फालतू की एनर्जी में अपनी वेस्ट नहीं करता, वो इन चीजों में पड़ता ही नहीं है, तो वो यहाँ पे ये नहीं करना चाहता। वैसे भी वो अंकिता से हर्ट है जो हमें कल भी दिखेगा, तो ऑब्वियसली उसको स्टैंड वहां पे लेने की जरूरत नहीं थी, उसने लिया भी नहीं और वो सही था। अब मैं इसकी विक्की के बारे में, आपने दो बातें बोली थी आंटी, उसके बारे में मुझे बोलना कि आपने बोला कि अंकिता ने ये बोला कि मैं लाई हूं तुमको यहाँ पे इस शो पे ताकि मैं तुम्हें यूज कर सकूं, तुम्हारा दिमाग यूज कर सकूं बेसिकली। तो इसी शो में हमने देखा है कि विकी ने ये स्टेटमेंट दी थी कि हमने घर पे ये डिस्कस करके आया था कि ये 4 महीने मैं अपना करना चाहता हूँ कुछ, तो तू मुझे करने देगी, मैं तुझे सपोर्ट के लिए नहीं बोल रहा बट तुझे करना चाहिए मुझे सपोर्ट, क्योंकि ये 4 महीने मैं अपने लिए कुछ करना चाहता हूँ, अपना थोड़ा नाम बनाना चाहता हूँ, जो भी करना चाहता है तो वो करना चाहते हैं 4 महीने। तो वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये लोग घर से प्लान करके आए थे, या तो ये पूरी की पूरी फाइट प्लान की हुई है कि हम फाइट करेंगे फिर हम अपना अच्छा वाला रोल दिखाएंगे, 4 महीने का शो है, 2 महीने लड़ेंगे, 2 महीने अच्छे से निकालेंगे, या तो ये है, या तो इनके बेसिकली एक्चुअल में ऐसी लड़ाइयां होती है और विकी और अंकिता घर से कुछ और डिस्कस करके आए थे और यहाँ आके ये दोनों अपने अपनी बातों से पलट गए और दोनों कुछ और दिखा रहे हैं। तो एक मुझे ये बात है, दूसरी बात है कि विकी गिना क्यों रहा है कि उसने अंकिता के लिए स्टैंड किया, क्योंकि आंटी गिनाना पड़ रहा है, उसको इतना सुना दिया गया है कि तुम डिसरिस्पेक्ट करते हो, ऊपर से अंकिता उसकी हाँ में हाँ मिलाती, तो उसको बताना पड़ रहा है कि मैं ऐसे भी टाइम थे जब मैं तेरे साथ खड़ा रहा हूं, तो अगर डिसरिस्पेक्ट, अगर मुझे तेरी वैल्यू नहीं है, ये नहीं है, तो फिर मैं नहीं खड़ा रहता, मैंने कुछ अच्छा किया नहीं है क्या, इसका मतलब कि मैंने कुछ अच्छा किया होगा तभी हम लोग अभी भी साथ में हैं। तो वो एक वो क्योंकि नील और ऐश्वर्या में ऐश्वर्या को समझ रहा है बट अंकिता उसको कंप्लेन कर रही है, तो उसको बताना पड़ रहा है कि अंकिता को बताना चाहिए उसके लिए बट बिकॉज अंकिता नहीं बोल रही है तो उसको खुद ही अपने लिए बोलना पड़ रहा है, दैट इज द सैड पार्ट। इज ओके, अब मैं यूके के बारे में बात करूं तो यूके भाई एंडी, मैंने पहले ही बोला ना उसमें, आपसे कुछ पूछना है कि आप ठीक हैं? हाँ, क्यों? क्योंकि आज अब ऐसे पॉइंट्स निकाल रहे हैं जैसे कि किसी ने बंदूक तो नहीं रखी ना अपने सर पे? नो श्योर आगे मैं भी यूके पर बात करना चाहूंगी।
What's going on? सिर्फ मुझे यूके के बारे में थोड़ी सी बातें बोलनी है कि ये एक्साइटेड हो जाती है बोलते बोलते ज्यादा. हाँ Okay, I'll just answer pretty witty by then. And your chain looks lit, by the way. Thank you. My mom gave it to me for Diwali. So I thought I'd wear it. I never wear these kind of things. I'll never wear it. It'll go back to the bank tomorrow. I'll just ek ghar pe baki hui thi to mujhe laga pehen le. Aur saath mein maine ye bhi pehna. Where is it gone? I wore my diamond today. So dee 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 dee. I was like, chalo, Diwali ka Diwala karte hain. But it's all going to go back to the bank tomorrow. Ali Diwala to tab hoga na agar mujhe de doge. Wo to mangne se kabhi kuch nahi milta. Nahi Diwala aapka. Ali yahi hoga na Diwala to inka hoga na. Tum meri mom ki gift mere se lena chahte ho? Meri mom. Maap hi gaya, Andy. This is very sad. Very sad. Anurag, tune meri maa ko kaise bola? How dare you bring my mother into this? I didn't. Anyway, back to Polomi. Ab UK Rada ke baad Rada. What is that? Rada hi hai wo. Bravo Sena bola tha na Manara ne. UK Rada. Bravo. Bravo. Bravo Sena bola tha. Usko Munawwar ne usko aur kaat diya. Chalo, bataiye. UK. तो यूके के कुछ पॉइंट्स है मेरे पास. सबके पास जाके पहले तो गा रहा है सेम स्टोरी कि ब्रो सेना को बोला. पहले उसने विकी बिठाया, फिर उसने नील ऐश्वर्या बिठाई, फिर उसने ईशा भी बिठा ली. वही ईशा जिसके एक टास्क में उसने उसके कैरेक्टर पे उंगली उठा दी थी. याद है वो वाला टास्क हुआ था रोस्ट करना था. सब लोग कुछ कुछ बोल रहे थे. उसने ईशा के बारे में क्या बोला था उसके कैरेक्टर पे कि तुम्हारे तो दो आ रखे हैं, तीसरा आ जाएगा. तो ये बंदा अनुराग, ये मैं इसलिए पॉइंट उठा रही क्योंकि ये बंदे को कल प्रॉब्लम थी कि मेरे साथ पर्सनल गए. इसने पहले ईशा की कैरेक्टर के बारे में बात की, फिर इसने अरुण के घर वालों पे गया, उसकी बच्ची के बारे में बोला, तेरे पे थूकेगी, ये सब बोला. और जैसे ही उस पे हल्का सा कुछ आया, तिल मिला उठा. ओह मेरे को बोल दिया, अब मैं क्या करूं. मतलब उस बंदे में ना वो पर्सनैलिटी है, ना दिमाग है, ना बोलना आता है. और ऐसे बंदे के 7.5 मिलियन फॉलोअर है पता नहीं कैसे. और सबसे सैड पार्ट, उस बंदे को पड़ी नहीं उन 7.5 लोगों की, क्योंकि वो क्या बोल रहे हैं, मैं मतलब जब ये बनते हैं, जब ये आते हैं YouTube पे, तब ये मांग के हमसे, हमको सब्सक्राइब करो प्लीज, हमको लाइक करो. ये बात मेरी नहीं है, मुनव्वर ने शो पे बोली है कि हम लोग मांगते हैं लिटरली कि प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो, है ना. वो करता था. आज जब ये बड़ा बन गया है तो ये क्या कह रहा है कि मैं अपनी मेहनत से बना हूं, तो तुम्हारे जैसे राइड करने वाले बहुत होंगे, लेकिन 7.5 मिलियन हर किसी को नहीं मिलते. तो जो 7.5 मिलियन देख रहे हैं ना, उनकी भी इज्जत रख लो. जो क्या कह रहे हैं वो, मेरे को सपोर्ट करने के लिए है वो 7.5 मिलियन. एंडी हमारा छोटा सा चैनल है ये एंडी का, उस पे हम कैसे बात करते हैं, फैमिली की तरह, कि हम शेयर करते हैं, हम आपको अपनी पर्सनल चीजें दिखाते. कितनी भी कल फेस्टिवल था पर हम एंडी यहाँ पे बैठे हुए थे. तो चीजें आप इन्वेस्ट करते हो क्योंकि आप एक रिस्पेक्ट रखते हो. हमने बिग बॉस के बाद, जब खत्म हो गया था OTT, उसके बाद भी हमने खींचा, हमने रोज आते रहे क्योंकि लोग देखना चाहते थे. तो उसके बाद कल को ऐसा नहीं हो सकता, अब आई एम वेरी श्योर कि इस चैनल पे तो कभी नहीं होगा कि हम बहुत कुछ बन जाए और फिर हम बोले नहीं, हम तो अपनी मेहनत से बने. मेहनत तो हर कोई करता है, हर किसी को 7.5 मिलियन नहीं मिलते. तुमको मिले हैं उसकी कदर रख लो, और नहीं कदर रखनी तो बोलना तो सीख ले, और नहीं बोलना मुंह बंद करके बैठ यार. वो बंदा जिस शो पे आया है उस शो की इज्जत उछाल रहा है पहले दिन से. फर्स्ट हफ्ते से उसका एक एजेंडा है, कम्युनिटी के नाम पे उसने सिंपथियां लेनी है, क्योंकि पिछले उसमें अभिषेक और एल्विश का बहुत नाम बना इस बेसिस पे, तो उसको वही चाहिए. सब वो बंदा स्टार्टिंग से यही एजेंडा लेकर आया कि मैंने करना है यूट्यूब वर्सेस टीवी, मैंने करना है मेरी कम्युनिटी, मेरी ब्रो से ना, उसको बस ये दिखाना है कि देखो मेरे को ना टारगेट हो रहा है, ताकि उसके बाहर जो ब्रो सेना व्हाटएवर सेना है वो एक तिलमिला जाए और इसके लिए बाहर ट्रेंड चलने लग पड़े. तो ऐसी बैठे बैठे नहीं ट्रेंड चलते, कुछ करना पड़ता है पहले घर में, तो ट्रेंड चलता है. ऑर्गेनिक चीजें होनी होती है, आपकी तरह नहीं मुद्दा उठाना आज मैंने, तो वो बिल्कुल ही बेकार लगता है. उसके बाद बिग बॉस ने एक बड़ी अच्छी बात करी ईशा के बारे में, और वो सेम एपिसोड में दिखाया भी. ईशा ने खुद कहा, जब वो बैठ के रो रहा था ना ईशा के सामने, ईशा ने खुद कहा कि जब हम ऐसी सिचुएशन में फंसते, उसने उसके पेरेंट्स में जाके बोला, तेरे पेरेंट्स को लेके बोलेंगे तो तुझे कैसा लगेगा. उसने
बोला कि हर बार मुझे बोला जाता है, लेकिन हमारे घर वाले, हमारे जो फैमिली कम्युनिटी जो भी है, वो यही देखना चाहती है हम जिस चीज में से कैसे निकले। उस 19 साल की लड़की में एंडी ये अक्कल है कि मेरे को उस कितनी मेच्योरली हैंडल किया। उसको हर वीकेंड का वार में ताना दिया जाता है, हम यहाँ बैठ के हर वीकेंड का वार में बोलते हैं कि उसके साथ ये अच्छी चीज नहीं है करना एक लड़की के साथ, लेकिन वो कितना ग्रेसफुली लेती है। उसने कभी मुद्दा उठाया कि मेरे को ऐसे क्यों बोल रहे, वैसे क्यों बोल रहे। आप एक शो पे आए हो, आप ऐसी कंप्लेंट्स नहीं कर सकते। रूबीना का मुद्दा अलग था, वो एक रिश्ते के साथ आई थी, उसके रिश्ते की डिसरिस्पेक्ट हो रही थी, जो अंकिता, नील, ऐश्वर्या, इन लोगों को समझ नहीं आता। पर आप यहाँ पे अपनी कम्युनिटी के बेसिस पे एक तो कुछ करना चाहते हो, उस कम्युनिटी की आपको इज्जत नहीं है, ऊपर से उस कम्युनिटी का आपने नीचा दिखाना है। तो मुझे लगता है कि अगर आप, अनुराग, आप में थोड़ा सा भी है तो आप ईशा से ही देख के सीख लो, जो बंदी हर वीकेंड पे ट्रोल होती है बट फिर भी चिन अप करके रोज आके सबको जवाब देती है। ये समृद्धि क्या दिखा रही थी अभी? और ना चैट में मैसेजेस करे जा रहे हैं, माय टर्न 9 मिनट्स अप, और उसका फोन गरम हो गया। अच्छा, प्रसीचा अपना फ्रिज में चला जाए। देखो, अ मेंबर फॉर 2 मंथ्स, थैंक यू सो मच। आई हिट पॉज बटन ऑन बिग बॉस, यानी कि ये बिग बॉस नहीं देख रहे हैं, पर आपके रिव्यूज प्योर गोल्ड, सीरियसली आई एम हुक्ड ऑन those more than the actual show. Next season might just have reviewers as the real diehard fans. Oh, thank you, Prasicha. You're so welcome. UC, thank you for Super Chat. I'm being a member. Hey, Andy and Chugli Gang, love you all. You people are doing great job. I like the Helka Sunny Deol mimicry today. It was cute. It was cute, but he's annoying me. What to do? MT, thank you for Super Chat. Ankita is cunning. She also triggers Vicky in soft way. Okay. So there's some cunningness there also. चलो ठीक है, अब वो आ गए हैं, वो समय आ गया है जहां पे हम जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, जहां पे अर्णव है एक कैंगरू के साथ बैठे। बताइए क्या कहते हैं। थैंक यू एंडी, हेलो पोलमी, हेलो सांझ, हेलो समृद्धि, हाय हमसा, हेलो व्यूअर्स, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। सो आई विल नाउ स्टार्ट विद फर्स्ट। टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? मैं 15 मिनट बोलूंगा सांझ, क्योंकि मेरा चांस है। ओके, दिस इज एंडीज चैनल, ही विल डिसाइड हाउ मेनी मिनट्स आई विल टॉक। सो यू डॉक्टर नहीं, ओके, सो आई एम माय टर्न, मेरे टर्न के समय कोई कृपया बात वार्तालाप ना करे, शुद्ध हिंदी में बोल रहा हूँ। ओके, सो आई विल स्टार्ट विद बेशरम बेहया समर्थ जुरेल, या जुरेल या जो भी उसका नाम है, चिंटू बिंटू, बैक बाइटिंग बीचिंग करने में तो एक्सपर्ट है, चांस पे डांस मारता है, कभी भी ईशा के बारे में गंदा बोलना है तो बह 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 करके बोलते जाता है, लेकिन फिजिकली इंटीमेट होने का एक चांस नहीं छोड़ता है। ये मैंने ट्वीट में भी देखा, लोग भी यही बोल रहे हैं, आई एब्सोल्युटली एग्री विद इट। बिग बॉस ने 1 मंथ बाद बेचारी ईशा के लिए एक 10 सेकेंड्स के लिए अच्छा बोला, मजाल हो कि वो एंजॉय कर सके, जाके उसके चीक्स पे किस दे देता है बेशरम। उसको फुटेज के लिए देखने के लिए इतना बेशरम इंसान मैंने कभी नहीं देखा। गर्लफ्रेंड आई है, गर्लफ्रेंड ने तुझे रिजेक्ट किया, हाँ तेरे अंदर दुख है, रूम चेंज के चक्कर में क्या क्या बोल रहा था, ईशा ने धोखा दे दिया, मेरे से पूछा भी नहीं, और ईशा का एक बार उसका अप्रिशिएशन हो तो जाके किस कर देना। अगर ईशा की जगह कोई और लड़की होती तो उसके मुंह के ऊपर एक झपार मारना चाहिए था, बट फिजिकल वायलेंस इज नॉट अलाउड इन द बिग बॉस, सो दैट विल बी माय फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आई एब्सोल्युटली एडोर अंकिता, डे वन से उसका जो इमोशन रहा है वो रियल रहा है। बिग बॉस 17 इज सपोज टू बी अ रियलिटी शो, राइट? तो डे वन से उसका जो कंप्लेन रहा है विकी के साथ कि तू थोड़ा बहुत मुझे टाइम तो दे, थोड़ा बहुत अटेंशन तो दे, सबके साथ खीकी खीकी करते रहता है, मेरे साथ बात करने के समय ही चिल्लाते रहता है, सो दैट हैज बीन हर पॉइंट। तो उसमें उसने गलत क्या दिखाया? वो क्या गिरगिट की तरह अपना रंग बदल रही है, कभी बोल रही है कि ये बहुत अच्छा है, ये बहुत बुरा है? नहीं, गेम खेलने का है, गेम भी खेल रही है। मुनावर को अगर उसने नॉमिनेट किया तो हक से किया, और आज उसने जो मिडिल सिंगर दिखाया अभिषेक को, मेरे दिल के अंदर गार्डन हो गया। ही एब्सोल्युटली डिजर्व्स दैट मिडिल फिंगर। पहले तो उसको कोई कपड़े दे तो वो सोचता है वो सारा दिन छपरी की तरह शर्टलेस रहेगा और वो विनर हो जाएगा, जो कि होने वाला नहीं है भाई। तुमसे बड़ा तुम्हारा बड़ा भाई शालिन भी पिछले सीजन में बहुत शर्टलेस हुआ था, क्या हुआ उसको? टॉप 5 तक गया, उसके पीछे आगे नहीं। एंड देन आई विल से कि इस अगर लोग खानजादी को बोल रहे हैं, मनारा खानजादी को बोल रही है, सबसे ज्यादा तो पीछे जाके बैठा है अभिषेक खानजादी के पीछे, क्योंकि उसको अब अफेयर बनाना है। जेलसी फैक्टर आ गया कि अरे ईशा के पास उसका बॉयफ्रेंड आ गया तो मेरी गर्लफ्रेंड कहाँ मिलेगी, तो मुझे भी गर्लफ्रेंड बनाना है ना। तो उसकी वो हरकतें सबको दिखती है, कोई यहाँ बेवकूफ है नहीं। नेक्स्ट आई विल से अबाउट अनुराग धोबल,
माई गॉड आई डोंट बिलीव आई एम सेइंग दिस आई एब्सोल्युटली डोंट लाइक मुनावर, लेकिन मुनावर से 10 लिटरली 10 स्टेप ऊपर आ गया है अब अनुराग इन माई डिसलाइक लिस्ट. आई एब्सोल्युटली कांट स्टैंड हिम. उसका सूरत देखने पर मेरे को क्या है वो एरोगेंस. बिग बॉस OTT2 में अभिषेक बोलता था मेरे फैंस ये वो, ये तो उससे भी गया गुजरा है 1000 गुना. ब्रोसेना 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 दिमाग का दही बना दिया है ब्रोसेना ब्रोसेना बोल के. अंदर जाके वो बोल क्या रहा था बिग बॉस को, मेरी ब्रोसेना के बारे में मत बोलना. फिर बोलता है मैं ब्रोसेना के लिए नहीं आया, फिर बोलता है मैं अपने लिए आया, फिर बोलता है मेरे को साइकियाट्रिस्ट चाहिए. ऑफकोर्स साइकियाट्रिस्ट चाहिए तो इट इज रॉन्ग कि साइकियाट्रिस्ट चूज करेगा पेशेंट, पेशेंट चूजेस व्हेन टू गो टू अ मेंटल हेल्थ चेकअप. सो दैट वाज रबिश फ्रॉम बिग बॉस. बट दैट बीइंग सेड, व्हाट इज दिस ब्रोसेना. मेरे को वीकेंड के बारे में फीडबैक मत देना, कुछ मत देना. अरे आया क्यों है तू शो में, तूने खुद ही बोला है कि पहले 2 वीक्स में तेरा कोई गेम नहीं था. इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर, चुगली चाचा करते रहता है. और इसके जो दो दोस्त है वो लोग निकम्मे होके भी वो तो इसके तरह चुगली तो नहीं करता है. और जब वो चिल्लाता है ना, तब मुझे लगता है कि गली में कोई बिल्ली है, बिल्ली का गला टूट गया, ऐसे चिल्लाता है वो की करके. मेरे सिर में एक्चुअली माइग्रेन पेन शुरू हो जाता है. ऐसा अनोइंग कंटेस्टेंट मैंने शायद बिग बॉस के हिस्ट्री में, मुझे याद नहीं है कि मैंने कोई देखा होगा. आई फील सैड फॉर एक्चुअली ब्रोसेना जो अभी इसको सपोर्ट कर रही है. गेम के नाम पे कुछ नहीं है, इधर जाके चुगली करना, उधर जाके चुगली करना और रोना. अरे इतना ही प्रॉब्लम है तो निकल जाओ शो से. वो खुद ही बोलता है राइट कि मैं 10-10 अरुण को खरीद सकता हूँ, तो इसका मतलब उसके पास बहुत पैसा है राइट. वो 10 अरुण को खरीद सकता है, तो फिर उसको पैसे देके शो से निकलने में क्या प्रॉब्लम है, निकल जाओ शो से. एक एक वीडियो में से तो वो बोलता है कि मैं 50-50 लाख कमाता हूँ राइट. तो 2 करोड़ 4 वीडियोस में 2 करोड़ हो गया, पैसे देके निकल जाओ अगर इतना ही प्रॉब्लम है तो. किसी को वो ड्रामा देखना नहीं है. एंड लास्ट आई विल से अबाउट अदर कंटेस्टेंट्स कि आज रिंकू ने बहुत अच्छा किया जो उसने अनुराग के मुंह के ऊपर बोला कि तुझे इस घर से भी खाना चाहिए, उस घर से भी खाना चाहिए. इसका ये है ना कि ये कुछ भी करता जाएगा, उसके बाद इसको कोई कुछ नहीं बोल सकता, ये जाके सबको कुछ बोलेगा, पोक करेगा. सो अगर कोई अवार्ड है मोस्ट अनोइंग कंटेस्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ बिग बॉस, दैट शुड बी अनुराग. दैट्स इट फॉर नाउ. वल्ला वल्ला, चलो वंडरफुल. चलो यहां पे सबके पहले हम सांझ पर जाएंगे क्योंकि वो हमेशा डसता है. सांझ से पहले मेरा हाथ खड़ा हुआ पहले. हाँ, मुझे पता तेरा हुआ था, पर मैंने उसको बोला, वो 15 मिनट बोल रहा था, 5 मिनट में उसकी वो फोन की डेड होगी बैटरी, मतलब उसके ऊपर. और बोलो 10 मिनट सांझ. नहीं रहने दे, तू मुझे अर्चना जैसे इरिटेट करेगा फिर. अगर एंटी ये वॉइस शेमिंग है अनुराग की, तो अगर फिर अर्चना के टाइम पे क्यों जलता था ये, तो वो भी तो even YouTube doesn't agree with you Sanj, that's why you got disconnected. Archana is an entertainer, Anurag is a crybaby. अच्छा सुन लेना, मुझे कौन सा अनुराग, उसको तो expose कर ही रहा हूँ. एंडी उसको लेके मुझे ये बोलना है, सक्सेस मिलनी चलो सबको, जिसकी जो किस्मत में है मेहनत करते हैं सबको मिले, पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पॉइंट तक ना एजुकेशन मस्ट होनी चाहिए, जो कि उनको समझ होनी चाहिए, मतलब बेसिक चीजों की, कॉमन सेंस की या कुछ भी, मतलब वो तो मुझे ऐसा लगता है ये जो है ना, मतलब बहुत अर्ली एज में इनको सक्सेस मिल रही है ना, उनको पता ही नहीं है कि दुनिया में कैसे रिलेशन या क्या चीज चल रही है. इनको सिर्फ ये दिख रहा है कि मैं बाइक चला रहा हूँ, है ना, मेरे व्यूअर्स मुझे बहुत अच्छा बोल रहे हैं, तो उनके लिए बस वही एक लाइफ बन गई. उसके बाद आके फिर जैसे ऐसे बिग बॉस के घर में आ जाते हैं उसी हिसाब से, तो ये फिर वो गंदे वाले एक्सपोज होते हैं, जो कि मुझे लगता है अनुराग मतलब सबसे बेस्ट एग्जांपल्स हैं इनमें जो अभी जो चल रहा है. तुम कुछ लेवल तक की इनको होनी चाहिए. समृद्धि समृद्धि व्हाट डू यू हैव टू से. मेरे को अर्णव से क्वेश्चन करना है कि आपने बोला अंकिता बहुत अच्छी लग रही है, आपको ये अच्छी लग रही है वो अपने पति को कैसे इडियट हो रही है, सब चीजें बुला रही है और बदतमीजी कर रही है उससे इतनी ज्यादा, आपको वो अच्छा लग रहा है? मतलब उसका पति गलत है वो हम सब एक्सेप्ट कर रहे हैं, द वे ही बिहेव्स विद हर इज वेरी रॉन्ग, बट आपको अंकिता का उसके बिहेवियर उसके ऊपर अच्छा लग रहा है? हाँ, इसका आंसर मैं दे दूं एंडी, या शुड आई गिव द आंसर लेटर? हाँ जी दे दो. अगर विकी सामने से उसको बोल सकता है कि मैंने तुझे मोबाइल फोन दिए, ये दिए, वो दिए, फुल शो के सामने वो बोल सकता है, क्या बोला था, कुछ की बेवकूफ या उससे भी कुछ बदतर वर्ड यूज किया था, तब अंकिता चुप थी, तब उसको मना रही थी, तो आज अगर वो उसके मुंह के ऊपर आंसर दे रही है जो कि दिख रहा है, जो कि फैक्ट बोल रही है, देन मुझे बिल्कुल अच्छा लगता है. बिकॉज फैक्ट रिमेन्स कि अगर आप गूगल में जाके एक टाइप भी कर लो ना विकी जैन, तो आपको उसके कोई सोलो पिक्चर्स नहीं मिलेंगे, उसके पूरे पिक्चर्स अंकिता के साथ ही मिलेंगे.
सो इट्स द फैक्ट कि वो शो में आया है बिकॉज ही इज द हस्बैंड ऑफ विकी जैन एंड ही इज प्लेइंग ए वंडरफुल गेम नाउ, बट द फैक्ट रिमेंस अंकिता को आना भी नहीं था शो में, फोर्स करके ये विकी को अपना करियर बनाता था, जो खुद उसने लाइव में बोला कि मैंने ही तो बोला था कि आ जा शो में, इस बार हम लोग जाएंगे, नेक्स्ट ईयर फैमिली करेंगे, जो कि प्रीमियर के दिन भी वो लोग बोला था. तो एब्सोल्युटली अंकिता को बोलने का पूरा राइट है, क्योंकि एक ही तरफ से वो गाली सुनेगी वो नहीं होगा राइट. और विकी इज नो क्या है उसका नाम, नील भट्ट, कि वो सुनते जाएगा, वो भी अच्छे से सुनाता है. एंड एटलीस्ट अंकिता इज 100 times बेटर देन ऐश्वर्या. वो बदतमीजी इस तरीके से जितने तरीके से इंसल्ट करती है ना, ये नहीं करती है. सो इफ आई लुक इन द कपल एंगल इन द शो, अंकिता इज ए मच मच बेटर कंटेस्टेंट फ्रॉम द कपल स्टैंड पॉइंट एंड इवन इंडिविजुअल स्टैंड पॉइंट. थैंक यू सर. रेस्पोंड कुलमीना प्लीज. अर्णव, मेरा ये क्वेश्चन है कि अंकिता ने आज मिडिल फिंगर दिखाई तो आपको वो बहुत अच्छी लगी, आपने कहा वो डिजर्व करता है. यही मिडिल फिंगर अगर मुनावर ने दिखाई होती तो आप यहाँ पे आपका फोन जल गया होता यहीं पर. अच्छी ना गर्दन वाला वो एग्जांपल दो. तब वो नेक्स्ट पॉइंट था मेरा. कर रहे थे. नहीं ऐसा नहीं था, आपने अर्चना के टाइम पे बोला था ऐसे कैसे उसने प्रवोक किया है तो वो जाके ऐसे करेगी ना, उसका हक बनता. नेक्स्ट पॉइंट सुनते लो सांझ देना. चुगली गैंग वर्सेस अर्णव, व्हाट इज हैपनिंग हियर? ओके एंडी, आई विल से, आई वांट टू से, एक ही बार जवाब दे देना. तीन लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं. सो माय आंसर इज एविक्ट अनुराग, उसने भी जाके कॉलर पकड़ा है अनुराग का, अरुण का, उसको निकाल के बाहर फेंक दो शो से, जैसे अर्चना को फेंका गया था, और बाद में लेके आ जाओ, इट इज स्टिल फन. बट इवन एविक्ट अनुराग इक्वालिटी पूछ रहे हो वो तो बता. क्या पूछ रहे हैं? मिडिल फिंगर का, मिडिल फिंगर मुनावर ने दिखाया, मुनावर ने जो गाली दी थी तब अगर आपने जो हंगामा करा था तो आज हाँ, मुनावर ने फैमिली के ऊपर लेके डैश डैश का पिल्ला बोल के एक को नहीं पूरे उस रूम के वालों को लोगों को बोला था राइट, और वहां रूम के वालों ने आके उसको प्रवोक भी नहीं किया था. यहाँ प्रवोक किया जा रहा था अभिषेक कुमार, तो उसका उसने जस्ट वो रिएक्शन दिया, लाइक एवरी एक्शन हैज एन ऑपोजिट रिएक्शन. सो आई स्टिल स्टैंड बाय माय वर्ड्स, आई एब्सोल्युटली लव्ड इट. नहीं तो मुनावर ने वहीं पर उसी डिस्कशन में, मुनावर भी था, उसने दी होती ये गाली और मिडिल फिंगर तो चलता. तो मुनावर को कोई टारगेट करता तो वो रिएक्शन देता तो ठीक था. कल रात 10 बजे जिसके जितने ज्यादा दिए बुझेंगे वो उतना ही नॉमिनेशन के अंधेरे में खोदा जाएगा. ये जलते हैं बिग बॉस में अंकिता को नॉमिनेट करना चाहूंगी. मुझे लगता है कि इनके भी कोई मुद्दे नहीं होते, बिना मुद्दों के झगड़ा करती हैं. मुझे लगा कि आप मेरे दोस्त, जब आप दिल से खेलते हो ना तो प्लीज दूसरों के दिलों का ख्याल रखिए. इफ यू कम फॉर मी आई कम फॉर यू. सारी दुनिया ना, मेरी इनसे कभी जबती थी और ना कभी जबेगी. बैक इट यू. थैंक यू. विकी भैया और मकान नंबर 2 के बाकी नए सदस्य किसी एक और सदस्य को नॉमिनेट करें. मेरा वोट है अभिषेक. अभिषेक अभिषेक कल रात 10 बजे जिसके जितने ज्यादा दिए. तो मुझे ये बताइए कि अगर यहीं पे आपको सारी चीजें सबके नॉमिनेशंस ऐड में ही बता देने हैं तो देखे क्यों शो? जस्ट अ क्वेश्चन. क्यों देख रहे हैं? मतलब अंकिता का बता दिया, विकी का भी. नैरेटिव एस्टेब्लिश करना है कि धोखे दिए किसने हैं. मुनावर को, अंकिता को धोखा मिला है क्योंकि अंकिता को अबला दिखाना है, और विकी ने धोखा दिया है क्योंकि विकी को बुरा दिखाना है. तो those are the two aspects. और ऐश्वर्या का तो खुद मुद्दा ही है ही नहीं, वो खुद मुद्दों के बारे में बात कर रही है, हंसी आ रही है उसको देखकर. नहीं पर अगर देखा जाए अंकिता ने टिट फॉर टैट हो गया ना मुनव्वर को, उसने किया तो अपने मुनव्वर ने वापस नहीं दिखाना. ये दिखाया का है कि मुनव्वर पहले, मुनव्वर ने धोखा दिया था अंकिता को कॉफी रिलेटेड इश्यू में, उसका रिएक्शन अंकिता ने दिया. इट्स ओके अर्णव, ठीक है. एंडी सर, मेरा एक क्वेश्चन, मेरा एक वो है. बोलिए बोलिए. हमदा, ये जो अभी धोखे की बात की गई है बॉस लेडी के उसकी तरफ से, बॉस लेडी ने सबसे पहले वो गुलाल वाला जो टास्क था उसमें उस, यार मैं बॉस लेडी यानी कि अंकिता जी की बात कर रहा हूँ. पॉइंट होने दो, ये तेरा ताना है मेरे लिए. अरे तूने बोला धोखे, बोलने दो उसे.
सांझ एंड पोलोमी प्लीज थोड़ी देर के लिए मेरा पॉइंट हो लेने दो. तो ये जो अभी बोला जा रहा है, ये जो अभी बोल रहा है कि पहले अंकिता जी को धोखा मिला, पहले अंकिता ने दिया, जब नील और ऐश्वर्या को निकाला था साथ मुनव्वर को निकाला था, तो ये उधर से ही आया है. तो यहाँ पर मुनव्वर बिल्कुल ठीक है, ये मैंने बोलना था. और ऐश्वर्या भी ठीक है क्योंकि अंकिता और विक्की ने सबसे पहले नॉमिनेशन में उसे नॉमिनेट किया था और वो बार बार उसे टारगेट कर रहे हैं, तो ऐश्वर्या का जस्टिफाइड है. ऐश्वर्या कैसे ठीक है, उसका रीजन सुना, मुद्दा नहीं है उसका कोई, तुम तो दिख ही नहीं रही हो. ऐश्वर्या का स्टैंड शुरू से सही है क्योंकि अंकिता नहीं पसंद तो नहीं पसंद, तो वही बोलती कि मुझे ये बंदी नहीं पसंद. ये क्यों बोल रही है कि मुद्दा नहीं है उसका, तुम्हारा कोई मुद्दा, तुम एग्जिस्ट नहीं कर रही हो शो में. अरे अंकिता ने बोल तो दिया मुझे पसंद ही नहीं हो, तो उसने सही बोला. अरे अब ये कह रही है कि ऐश्वर्या ने बोला कि मुझे पसंद नहीं है इसलिए उसने नॉमिनेट किया. मैं कह रही हूं रीजन ये थोड़ी दिया है, रीजन उसने क्या दिया कि मुद्दा नहीं है इनका कोई, तो तुम मुद्दे की बात नहीं कर सकती जो घर में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है. एपिसोड में एक मिनट के लिए दिखती हो तुम. ऐसे तो आज मुनव्वर भी दो चार मिनट के लिए दिखा था, ऐसे तो आपकी खानजादी भी नहीं दिखती. मुनव्वर कहाँ है, बिग बॉस खराब कर रहे मुनव्वर की. मियां बीवी के रिश्तों में वो क्या बोल रहा है, बड़े भैया गुड नाइट, ओके इंडिविजुअल भाभी गुड नाइट, मुझे मुनव्वर दिखा था. एंडी सर मेरा भी एक पॉइंट है, बिग बॉस ने खराब करी है एंडी मुनव्वर की गेम. मेरा एक पॉइंट है, मैंने ये सांझ ने जो भी बोला है उसी के ऊपर जवाब देना है. बट मुनव्वर ये वाले पॉइंट्स भी तो नहीं दे रहा ना, जिस तरह ऐश्वर्या बोल रही है कि हाँ आप दिख नहीं रही हैं, आपके मुद्दे नहीं है. अगर वो चीजें बोलेगा तो फिर वो पागल लगेगा, इसलिए तो वो पागल नहीं लग रहा. तो ये चीज तब हम बोलेंगे जब वो कहे कि मैं तो दिख ही जा रहा हूँ. वो अब कहाँ से आ गई, मैं तो अरे कुछ भी नहीं दे रही. आपने आपने मुनव्वर को बोला ना कि जी मुनव्वर भी तो नहीं दिख रहा ना, बट मुनव्वर कल दिखा था ना, कल उसने कितना अच्छा से हैंडल किया सिचुएशन. आपने बोला कि वो कुछ नहीं दे रहा है, वो अच्छा है टिक के बैठा है, तो इसी बात पे आप लोग ये चढ़ जाते हो कि सना सिर्फ जब नॉमिनेट होती है तब फटती है, अदरवाइज आप सना को फिर क्यों वो कहते हैं, वो भी चुप करके बैठे, फिर सना को भी फेवरेट बनाओ इस हिसाब से, इस लॉजिक तुम पर को क्यों फिर वो उस हिसाब से गेम नहीं खेल रहे. अब चाहे वो बिग बॉस खराब कर रहे हैं भाई, अब मुनव्वर की तो इतना दिमाग तो है ना, अगर बिग बॉस गेम खराब कर रहे हैं तो वो खुद अपने आप अपनी गेम बना ले, खुद आके लड़ाइयां कुछ बना ले, कुछ अपने एंगल बना ले. वो क्यों वेट कर रहे हैं भाभी दीदी भैया भाभी जो कर रहे हैं वो क्यों करते हैं फिर से, उसको नहीं पता. Well guys, I want to just say quickly, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब और लाइक भी करो स्ट्रीम को, साथों साथ आप इसको शेयर भी कर सकते हो टू मेनी पीपल जो बिग बॉस अभी नहीं देख रहे हैं, खास करके यूके में बिग बॉस नहीं लग रहा है. तो अगर किसी को कैच अप करना होगा बिग बॉस की गॉसिप शॉपिस से, तो आप उनको ये मैसेज कर सकते हैं कि ये देख लो. सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अनदर क्वेश्चन फॉर यू गाइस बिफोर वी गो. तो इस वक्त अगर हम एक टिप्पणी करें कि कौन जीतेगा, व्हाट डू यू थिंक, क्योंकि देखो यहाँ पे टॉप फाइव तो साफ साफ दिख रहा है, पर उनमें जीतेगा कौन, क्या अंकिता जीतेगी या फिर क्या ऐश्वर्या जीतेगी या फिर मुनव्वर या फिर मनारा, कौन है आपका विजेता? सैम बिग बॉस चाहते हैं अंकिता को जिताना, अंकिता और मुनव्वर को लेके जाएंगे वो टॉप टू तक. ओके अभी कौन सी तारीख है, 14 नवंबर की तारीख है, यहाँ पे हमने ये भविष्यवाणी की थी और मैं अभी लिख रहा हूँ, लास्ट ईयर भी मैंने लिखा था, एकदम तो नया तो मेरा सही हुआ था एंडी, मुझे कुछ देना था, आपने गिफ्ट दिया तो है नहीं. नहीं मैंने तो कुछ नहीं देना था एंडी के भैया पे, मैंने सबको पेस्ट्रीज दिया राइट, हो गया गिफ्ट. हाँ चल तूने दिया एंडी ने भी देना था, ग्रीडी हो गया बहुत ग्रीडी, इतना ग्रीडी. अर्णव आपके एल्विश ने तो सोशल मीडिया पे मैसेज डाला है कि उसको ऐसे मत बोलो, जोकर के लिए ऐसे मत करो, वो मत करो, आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो अपने विनर के. तो मुझे एल्विश पसंद था, इसका मतलब थोड़ी है कि वो जिसको बोलेगा मैं उसका सपोर्ट करूंगा. अच्छा चल एक लास्ट क्वेश्चन, लास्ट अर्णव तुमसे एक लास्ट क्वेश्चन ठीक है. ज्यादा अच्छी कौन है, अंकिता की अर्चना, अंकिता अर्चना नहीं है इस शो में, अब अंकिता है देन अंकिता इज द प्रायोरिटी. नहीं ज्यादा मैं दोनों में से. अच्छा अर्णव आपको मैं तब आपको जवाब नहीं दे पाई आपकी बात का. अर्णव क्या दो गलत एक सही बना देते हैं, अगर विक्की गलत है और अंकिता भी उसके ऊपर से गलत हो जाए तो क्या वो सही हो जाएगी?
कभी कभी गलत को ठीक करने के लिए और ज्यादा गलत करना पड़ता है। विकी बहुत ज्यादा गलत कर रहा था, इसलिए अंकिता आप कम कम गलत करके उसकी गलती को ठीक कर रही है। इरेजर, विकी ने एक पेंसिल से मार्क कर दिया, अंकिता उसको इरेज कर रही है लाइक एन इरेजर, सो आई सपोर्ट हर। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इंटेलेक्चुअल फर्स्ट कहते हैं एंडी यूके में ऋषि सुनक ने राम भक्ति भजन में हिस्सा लिया था वहां के एक हिंदी कम्युनिटी के साथ, वो साउथहैम्पटन में था, मेरे से बहुत दूर है बाय द वे, के साथ दिवाली के दिन तुम भी चले जाते थे। नहीं हम नहीं वहां जाएंगे, पर मेरा भाई जो है वो नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का ऑफिशियल गवर्नमेंट का इट्स अ वेरी फेमस रेजिडेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, तो वहां पे पार्टी हुई थी, वहां पे मेरा भाई गया था, मुझे साथ में नहीं लेके गया। एक्चुअली नहीं, आई वाज नॉट फ्री दैट डे, आई कुडंट गो, बट या सो ही इज जस्ट गॉन रिसेंटली, इट वाज ग्रेट। सो एंड ही इंटेलेक्चुअल्स फर्स्ट शायद राज बोल रही है क्योंकि कमेंट्स लिखने का तरीका एकदम सेम है। ओ वापस आ गया प्रीमियर शो के फर्स्ट डे में ही बोल दिया गया था सलमान खान ने कि दुआ कर मुनावर की फिनाले में मैं तेरा हाथ उठाऊ, तो इट्स फिक्स्ड विनर, मुनावर ही विनर है, कल के दिन ही उसको ट्रॉफी देके शो खत्म कर लो, आई डोंट माइंड, फिक्स्ड है वो विनर। अगर एंडी जैसे स्टैन की तरह जिताना है ना तो वो तो मुनव्वर बनेगा फैन फॉलोइंग के ऊपर, मतलब जैसे स्टैन बना था वैसे मुनव्वर बनेगा सिर्फ फैन फॉलोइंग के ऊपर। अगर गेम के हिसाब से अगर आप मुझे पूछोगे इस टाइम गेम कौन अच्छी खेल रहा है, अच्छी नहीं कहूंगा गेम खेल कौन रहा है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है विक्की अंकिता खेल रहे हैं, तो उनकी दिख रही है तो उनकी चल रही है भाई, या फिर मनारा है कहीं ना कहीं अच्छी बुरी गालियां खाती है। खान सर ऐसे करो अरे पर मनारा के हिसाब से तो फिर मैं अंकिता बोल रहा हूं, ले लो रिंकू को भी ले लो, एंडी अंकिता गेम के हिसाब से वोट के और सपोर्ट के हिसाब से मुनव्वर, दैट इज व्हाट सांगी से आप ले जाए। ओके मेरे लिए तो एंडी मेरा रह गया, हां नहीं तुम्हारा नहीं रहा, मैं आ रहा हूं तेरे पास आज, बोल बोल। हां एंडी मुझे लगता है अंकिता जीतेगी, बट नॉट बिकॉज ऑफ हर ओन एफर्ट्स, उसका अपना गेम, विक्की का इसमें 50% कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा, उसका गेम, उसका दिमाग जो भी है, अंकिता, पर मैं चाहती हूँ कि मुनव्वर जीते। एंडी मेरा लगता है मुनव्वर स्लैश स्टैन कुछ कर ले और फिर वो जीत जाए, पर कुछ करे पहले। तो दो दो ऑप्शन है क्या जीतने का, मैं सबका लिख रहा हूँ यहाँ पे, मेरा लिखी क्या, है ना? क्या क्या पता अंकिता मुनव्वर बेस्टीज बन जाए और बिग बॉस ट्रॉफी शेयर करवा दे और मुनव्वर टॉप टू, अंकिता जीतेगी पोलो में, अंकिता जीतेगी पर चाहती है मुनव्वर जीते। अर्नब कह रहा है कि मुन्ना जीतेगा तो अभी भी घर चले जाओ, सांझ बोल रहा है कि मुन्ना जीते जीत सकता है क्योंकि पर गेम के कारण अंकिता जीतेगी, हमजा कह रहा है पता नहीं एस पी वर हमजा सर मुनव्वर जीतेगा और अंकिता टॉप टू में जाएगी। यस Okay. अब सलमान के आगे कोई बोल सकता है क्या, सलमान ने बोल दिया फिनाले में हाथ उठाएगा तो उठाएगा बस। एंडी सर मुझे पॉइंट बोलना है यहाँ पे, अर्नब को क्या ऐसा क्यों ना साउंड किया तूने, ये जो अभी बार बार एक पॉइंट रेज किया जा रहा है कि यार एक प्रे यानी कहना कि आप जाएं और अच्छा करें ताकि मैं आपका हाथ ऊपर करूं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फिक्स्ड विनर बन जाता है, उसका मतलब वही है हमसा, क्योंकि किसी और कंटेस्टेंट को वो बोला नहीं गया। ओके उसका मतलब वही है हमसा, बोल रहे थे ना मेरी बात पोलमी एंड अर्नब, प्लीज मेरा भी पॉइंट पूरा नहीं हुआ था, हम सब तेरे लिए बोल रही हूं, पोलमी को भी रगड़ दे, मैं तेरे लिए बोल रही थी, चुप करा रही थी जो भी है। तो अगर कोई बंदा ये कह रहा है कि आप अंदर जाके अच्छा खेलें और जीतें, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फिक्स्ड विनर है, ठीक है। इस तरह तो आपकी फेवरेट अंकिता 200 कपड़े लेकर आई है, उसको कैसे पता है उसने फाइनल तक जाना है, उसको ख्वाब आया था, ऊपर से कोई चीज पड़ी थी उसके दिमाग में, हाँ हाँ 200 कपड़े ले लो मैंने तो आखिर तक रहना है, फिर फिक्स्ड विनर कौन हुई, फिर वो भी हुई, फिर तो मुनव्वर है जिस तरह, फिर तो अंकिता भी होती है आपकी मोस्ट फेवरेट बॉस लेडी, जो मुझे बिल्कुल बॉस लेडी नहीं लगती। हो गया हमजा, मैं बोलूं अंकिता को बोला नहीं गया था बिकॉज़ सलमान ने, मेरा भी सुन ले इकट्ठे बोल देना, आज उसने बोला भी अभिषेक को अंकिता ने कि देख लेना कौन पहले जाता है, देखते है तू मेरे से पहले जाएगा टाइप्स, तो फिर हाँ तुम हक से बोलेगी क्योंकि उसके ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, लेकिन अंकिता को सलमान खान ने नहीं बोला, मेरा टर्न है, अंकिता को सलमान खान ने नहीं बोला कि फिनाले में मैं आपका हाथ उठाऊं। ओके
तो उससे ही पता चलता है कि किसका कब तक एंडी फिक्स है विनर का. दैट इज द 100% लॉजिक. सलमान ने किस कंटेस्टेंट को प्रीमियम डे के दिन बोला कि फिनाले में मैं आपको देखना चाहता हूँ, गिव मी द आंसर. ओके मैं अपार्ट फ्रॉम मुनावर किसको बोला है? अजाज खान इस एपिसोड में, इस सीजन में किसको बोला है सिवाय मुनावर के? किसी को बोला है? दैट पे भी बोला है आंसर. That's the answer. That's it. Okay, मैं आपको आंसर अर्नव देता हूँ. सीजन 14 में जब राखी सावंत को बड़ा, मैं सीजन 17 का बात कर रहा हूँ हमसा, सीजन 14 का नहीं. सीजन 17 में किसको बोला गया है? तो लो चाहिए था ना अर्नव, सुन तो लो मेरा यार, मेरा पॉइंट तो सुन लो. राखी सावंत को बोला गया था कि आप क्यों नहीं जीत सकती, आप भी जीत सकती हैं. तो क्या ये चीज नहीं थी? उसको नहीं बताया जा रहा था क्या? ये सीजन का तो रेस ही बाद में आती है. आप बात कर रहे हो सलमान खान ने क्या बोला, तो सलमान खान इससे पहले राखी को भी बोल चुके हैं. तो आप सिर्फ इसका बिल मुनव्वर पर मत फाड़िए. अच्छा हम सर, इसका आंसर ये है, राखी सावंत ये सीजन में नहीं है. बिग बॉस 17 में जो कंटेस्टेंट्स है उन कंटेस्टेंट्स में सिवाय मुनव्वर के किसको बोला गया सलमान ने ये डायलॉग? यस और नो? नहीं बोला, राइट? दैट्स इट. प्रीमियर शो के दिन बोल रहा हूँ मैं. तो पहले जिसका हाथ उठाया है वो जीते कहाँ है अभी भी? मैं इस सीजन की बात कर रहा हूँ. देख लेंगे ना फिनाले के दिन मुनव्वर जीतेगा या नहीं. अब तक उसका कंट्रीब्यूशन कितना है? फैंस होके बोलो, ऑडियंस होके बोलो कि अब तक उसने शो में कितना क्या किया है. एंडी आई वांट राखी सावंत बनके जाएगा और जीतेगा. चलो ठीक है, अगर मुझे वाइल्ड कार्ड में भेज देंगे मैं चले जाऊंगा, आपकी कारण जाऊंगा. पर जो ब्रो सेना को तुम लोग तैयार कर लेना, ठीक है? नहीं तो पता नहीं क्या होगा. तो ऐसे करेंगे हम ना, ऐसे करेंगे आप लोग नहीं, दो तीन नहीं नहीं वो क्या कहते हैं, दो तीन कॉल सेंटर खरीद लेंगे. उनके उनसे वोट कराते रहेंगे. अरे वी आर एंडी सेना, एंडी वी आर एंडी सेना. एंडी सिंपल सी बात है, मैंने आपको ऐसे विनर बना देना. मैंने बस अर्नम को बोलना कि तू एंडी के खिलाफ बोल, जितना तूने बोला तो एंडी के खिलाफ बोल. तो फिर अभिषेक विनर होता था लास्ट सीजन में, अगर वह खिलाफ बोलने वाला जीतेगा तो सपोर्ट करेगा वो पक्का. नहीं, 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 जीता लास्ट सीजन, मैंने एल्विश को सपोर्ट किया. अब राखी सावंत जाए और वो जाएगी तो वो विक्की के पीछे पड़ेगी. पूजा भट्ट को सपोर्ट किया था, मजबूरी थी तेरी एल्विश को सपोर्ट करना. ये तुम डिसाइड नहीं करोगे सांझ? एल्विश के आने के बाद से ही मैंने उसको सपोर्ट किया था. अपार्ट फ्रॉम दैट बेबी का को गाली देने वाला पॉइंट, पूजा भट्ट और एल्विश की दोस्ती होने के बाद तूने किया था क्योंकि तेरी फेवरेट थी पूजा भट्ट और तुझे पता था वो कहीं से भी विनर नहीं बनेगी. लेकिन सांझ यू यूज्ड टू से उसको टॉप टू में लेके जाएंगे. रिवर्स साइकोलॉजी में हुआ, टॉप फाइव में लेके गए थे उसको. सो योर रिवर्स साइकोलॉजी आल्सो डिडंट वर्क. मैंने उसने प्रियंका को टॉप बोला था, उसको नहीं बोला था अर्नव. उसने ये भी बोला था टॉप टू में पूजा भट्ट को भी लेके जाएंगे, पक्का लेके जाएंगे, वो कुछ करे ना करे. क्या हुआ था उसका? अभिषेक और एल्विश ही बोल रहे थे, किसी ने भी अभिषेक एल्विश के अलावा नहीं बोला था एक्सेप्ट फॉर प्रोबेबली यू. यू माइट हैव सेड पूजा. आई वाज द फर्स्ट वन टू से कि पूजा विल नॉट इवन रीच टॉप फोर, उसको बेबिका के पहले निकालेंगे. एंड दैट इज व्हाट हैपेंड. एंड आई आल्सो सेड दैट आई एम हैप्पी कि उसको बेबिका के पहले निकाल दिए. कुछ भी लॉजिक दे रहे हैं तो अपने पहले वाले तो ताकि लोग ये ना बोले कि नेपोटिज्म चला पूजा भट्ट के साथ. तूने तो बोला था कि ऐसा नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो छोड़. तूने तो बोला था अर्चना ही जीतेगी. मैं चाहता था अर्चना जीतेगी, फिर मैंने ये भी बोला था कि अर्चना के फैंस उतने ज्यादा नहीं है. और कौन जीता सबको पता है, मोस्ट डिजर्विंग विनर जिसको आपको याद भी नहीं रखता ठीक से, एंडी जिग्नू रिंका. रिंकू बाय द वे दैट्स हाउ यू से द नेम, इट्स नॉट रिंका, जिग्नू. एंड देन जिग्नू क्या कहते हैं, जिग्नू बनता फिर क्या होता है उसे? जुगनू. जुगनू जुगनू बनता. थैंक यू हमजा, सॉरी जुगनू. ये हमजा की वजह से हुआ है. बहुत सही है. आई वोट फॉर जुगनू.
No, Manish, I don't support Munawar. We know. Arnav, it's well established. Jignu Rinka Sena. In a parallel universe, double eviction में, in a parallel universe like Marvel, Munawar और Anurag evict हो गया है. And इनकी अपनी community है, ठीक है, जिग्नू और अरे यार, I can't. जिंग association है उसकी उनके साथ डोरेमोन के साथ. Definitely. रिंका और एंड रिंका रिंकू रिंका. हाँ, got it. Ringu. Ringa, Ringa roses. Pocket full of roses. Pocket full of roses. चलो guys, I think अभी सब पागल हो चुके हैं. ओ ये अच्छा मैडो जेफ का एंटी कमेंट. Ringu, Jingu, Chintu, Chanku, Manku. क्या है हाँ. Everyone. ये होगा. चलो ठीक है, नमस्ते करते हैं क्योंकि अब हमें जाना है और भी बहुत काम है. At least I have to wake up till all night now क्योंकि मुझे पूरी रात काम करना है. I'm not looking forward to it, but I'll have to get going. Guys, take care of yourselves. Thank you so much for joining. Say hello and bye-bye and all of those things. This is the Chugli Gang and Andy saying goodbye. Say bye, Chugli Gang. Bye. Bye, everyone. Andy, Ibrahim, leaving said, Lord Samarth jeetega. एक comment था कि Shikhar Dhawan के fans Rinku को vote करेंगे. क्यों, किस खुशी में, पता नहीं, बहुत फनी लगा मुझे.